हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द लाइव स्ट्रीम। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को देख के। ऑलमोस्ट मेरे साथ जो है वो 17 लोग कनेक्टेड हैं, और थैंक यू सो मच टू ऑल द 17 पीपल। प्लीज़ सबसे पहले जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हैं वो लाइक बटन को दबा दें। और आज जो है हम जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है वो आप लोगों को ये पता चलता रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर। और हमारा फर्स्ट फोकस ये होगा कि हम स्ट्रीम को इस तरह से लेके चलें कि जिसके अंदर सबसे पहले तो हम चीज़ों को डिस्कस कर लें, और जो चीज़ें हम प्रीवियस स्ट्रीम के ऊपर बता चुके हैं उस स्ट्रीम को लिंक करते हुए यहाँ पर देखें। और ये एक बुक है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, और इस बुक के थ्रू जो है इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको रीड कर सकते हैं। और रीडिंग करने के बाद आपके पास जो है एक अच्छा मटेरियल होगा जो कि आपको हेल्प आउट करेगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होंगी उसके अंदर। आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है तो प्लीज़ चैट के अंदर बता दें कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, कुछ भी कोई ग्लिच नहीं है, कुछ नहीं है, और आप सब मेरे साथ हैं। तो 19 पीपल आर वॉचिंग मी, हिट द लाइक बटन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइज। ओके कुर्बान अली, सो वी आर रेडिंग। रिजवान, वेयर आर यू? आई थिंक यू ऑल्सो सेंड अ मैसेज ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। येस मियाँ शाहिद इस्लाम साहब, ट्विटर पे भी और व्हाट्सएप पे भी सब जगह पे मैसेजेस जो है वो रोटेट कर दिए थे मैंने ऑलमोस्ट 11:30 पे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सकें। सो यस, आमिर सोहेल सही है आपकी, मैं बीच बीच में आपकी चैट का जो है वो आंसर भी देता रहूँगा, तो इसलिए सर मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। अनवर दीन साहब, ये टाइम थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई कन्वीनियंटली अपनी जगहों पे लेट के बैठ के जो है वो स्ट्रीम देख सकता है, तो इस वजह से ये टाइम सेट किया है, और इसमें काफ़ी कन्विंसिंग है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने एक बुक है, इस बुक का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बात की है हमारी प्रीवियस स्ट्रीम के अंदर जी भी, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा जो डिस्कस किया था। साइमल्टेनियसली ट्रेंड लाइन को भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, उन ट्रेंड्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट्स के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि ब्रेकआउट्स कब होते हैं, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की से जो स्टॉक है उसकी मूवमेंट जो है अगर उससे ऊपर चली जाती है या उससे नीचे चली जाती है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में भी बता चुका हूँ। डेड कट बाउंस, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इलीड वेव पे बाद में बात करेंगे, दिस इज एडवांस कॉन्सेप्ट तो इनको हम बाद में देखेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हम बाद में देखेंगे, पिवट एंड डो थ्योरी, तो ये जो नीचे के पार्ट्स हैं इसके, ये हम बाद में देखेंगे हमारी बाद वाली स्ट्रीम से। अभी हमारा फोकस सिर्फ इतना था कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी होनी चाहिए ताकि आप जो है वो आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को बिल्डअप कर सकें। सो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इतना सा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि आप आगे काम कर सकें। उसके बाद कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये कुछ चार्ट्स हैं आपके पास जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स होता है, ओपन हाई लो क्लोज चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पिवट चार्ट होता है, एंड कागी, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर यूजेज जो है वो कैंडल चार्ट का होता है, जिसकी बेसिस पे आपने हमारी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी और बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो इसी चार्ट को जो है फॉलो करते हैं। उसके बाद टेक्निकल के अंदर पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं। चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो है आपके पास ये कुछ नाम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको ये सारे पैटर्न सीखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ इसको देखना है और आप आराम से सीख जाएंगे। इसी तरह से कुछ कैंडल्स होती हैं, और उन कैंडल्स की अपनी एक रिकग्निशन है, उन कैंडल्स की अपनी एक मीनिंग है, ये वो उन कैंडल्स के नाम्स हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न, डॉजी हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मारुबुजो, स्पिनिंग टॉप, थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्राउज, मॉर्निंग स्टार, और इस तरह से। फिर उसके बाद ये ट्रेंड इंडिकेटर्स आते हैं जो जिसके बारे में मैकडी के बारे में हम बात
काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं और पैराबॉलिक सार के बारे में बात कर चुके हैं और साथ साथ RSI के बारे में, ये मोमेंटम इंडिकेटर में RSI के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एक बेसिक लेवल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जिसके अंदर हमने एक MACD को यूज़ किया है और पैराबॉलिक सार के बारे में बताया और साथ साथ RSI के बारे में। इसका मतलब है आपको अब ये तीन जो है वो अपनी हर ट्रेड लेने से पहले यूज़ करने, ताकि आप इसके ऊपर जो है एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ग्रिप हासिल कर सको और फिर उसके बाद जो है आप अपनी ट्रेड्स खुद से ले सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है। तो आप इस पर हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि अगर एक दफ़ा सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि दिस इज सपोर्ट लेवल। अगर स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर रहा है और यहाँ से रीबाउंड हुआ है तो ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, और वापस से अगर आएगा तो वी एक्सपेक्ट कि दिस एरिया वुड प्ले एज अ सपोर्टिव रोल। अगर इसको ब्रेक कर दिया सो नाउ दिस लाइन बिकम्स द रेजिस्टेंस लाइन। सो नाउ यू कैन सी दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस चार्ट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस लाइन प्रीवियसली एज अ वर्किंग एज अ सपोर्ट, बट नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड वंस इट ब्रोकन दिस लाइन सो अब ये वापस से रेजिस्टेंस से सपोर्ट के लेवल पे आ गई है। तो आपको यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है किसी भी चार्ट पैटर्न के अंदर, या किसी भी स्टॉक को, मार्केट को आप वॉच कर रहे हैं, कमोडिटी को वॉच कर रहे हैं, या फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करना होता है कि कहाँ पे जाके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ताकि आप बाइंग एंड सेलिंग की जो एंट्री लेवल्स हैं उनको एक्सपेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख ली। इसके पीछे यहाँ पे पूरी की पूरी रीडिंग मटीरियल है जो कि आप कर सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद ये एक चैनल है, तो आपने एक चैनल ड्रॉ किया, उस चैनल के अंदर जो है आप देख सकते हो, ये भी चैनल भी ड्रॉ करके प्रीवियस स्ट्रीमिंग के ऊपर बता चुका हूँ कि चैनल ड्रॉ करने के बाद आप देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। दैट मीन्स दिस एरिया इज द सपोर्टिव एरिया एंड दिस एरिया इज द रेजिस्टेंस। तो अगर स्टॉक जो है वो अपसाइड मूव लेता है तो अब आपको देखना है कि कहाँ पे जाके जो है ना वो रुक सकता है। ठीक है, तो आपने एक स्ट्रेट चैनल जो है वो ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल चैनल, जो कि कल भी डिस्कस हुआ था। जल्दी से आगे चलते हैं। कल मैंने बताया था आपको हायर हाईज हायर लोज, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हायर हाईज एंड हायर लोज, के आप हायर हाईज को और हायर लोज को किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक बॉटम बन रहा है, और इस बॉटम के बाद जो है आप यहाँ देखोगे कि ये पहला इसने लेवल बनाया जो कि हाई है, और ये दूसरा लेवल बनाया। ये जो हाई है ये प्रीसीडिंग हाई से ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए इसको हायर हाइज कहते हैं। तो देखो कंसिस्टेंटली ये हायर हाइज बना रहा है, विच इज इंडिकेटिंग अ अप ट्रेंड। अगर ये हायर हाई नहीं बनाएगा तो वहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस को सेटल करना होगा, आप अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं रख सकते हो। सिमिलरली जब ये हायर हाइज बना रहा है तो यहाँ इसको डाउन साइड के ऊपर हायर लोज बनाने पड़ेंगे। मीन्स कि ये लो है लेकिन ये प्रीसीडिंग लो से हाई है, ये लो है लेकिन ये प्रीसीडिंग लो से हाई है, तो दैट्स वाई वी कॉल इट हायर लोज। आई होप दिस इज क्लियर सर। फी बिनाची रिट्रेसमेंट, एहसन रहमान, फी बिनाची रिट्रेसमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, क्योंकि इट्स अ गोल्डन नंबर। इसके अंदर जो है जो फी बिनाची थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये चीज़ ड्राइव की थी कि गोल्डन नंबर्स होते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो ट्रेड होती हैं, तो ये ऑड नंबर्स के अंदर जो है चल रहा होता है। उसकी एग्जांपल उन्होंने कोट की थी कि आप कभी भी किसी रोज़ को उठाएंगे तो रोज़ की जो पेटल्स होती हैं वो ऑड में होती हैं, वो इवन नंबर्स के अंदर नहीं होंगी, वो 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, इस तरह से होंगी। तो उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है ये चीज़ को प्रेडिक्ट किया और बताया, और इसकी बेसिस पे ये कैलकुलेशन की। इस जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीमिंग के अंदर, उस बुक के अंदर वो सारी की सारी कैलकुलेशन नंबर्स गिवन है, आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो और सारी चीज़ें। तो जल्दी से आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगेन आपको ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना है, आपको ऑन गोइंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को उस तरह से बिल्डअप कर सको।
अगर आप जो है अगर ट्रेंड को ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है शॉर्ट पोजीशन लेनी है। तो जो भी ट्रेंड होगा ऑनगोइंग तो आप उसको फॉलो कर दो। अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है दैट मींस यू हैव टू बिल्ड योर शॉर्ट पोजीशन एट द रेजिस्टेंस लेवल, और अगर इंक्लाइनिंग ट्रेंड है दैट मींस यू हैव टू बिल्ड योर लॉन्ग पोजीशन एट द सपोर्ट लेवल। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस, तो उसके लिए एक चैनल ड्रॉ करना पड़ता है। वो चैनल जो है वो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि चैनल को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इसके बाद हम एक एक चीज़ को जाके देखते जाएंगे स्टॉक के ऊपर, और फिर उससे जो है हम काम करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम जो है किसी स्टॉक के बारे में मुझे बता दीजिए, हम उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसके जो है ना हायर हाइज हायर लोज को साथ में लाइव कनेक्ट करते चलें, ताकि आपको पता हो कि हम किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो दिस इज अ मार्केट चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ मार्केट चार्ट। इसके अंदर अगर हम बात करें हायर हाइज की और हायर लोज की बात करें, तो यू कैन सी दिस, दिस इज हायर लोज, एंड दिस इज हायर लोज। तो यू कैन सी जब तक कि हमने हायर लोज बनाता चला जाएगा, उस टाइम तक अप ट्रेंड जो है वो चल रहा है, और आप उस टाइम तक अपनी पोजीशन को कैरी करोगे। तो जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप बिल्ड कर रहे हो, उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक स्टॉक या इंडेक्स जो है वो अपना हायर हाई और हायर लोज बनाता चला जाएगा, तब तक आप अपनी जो पोजीशन होगी उसको कैरी करोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इन अ डाउन ट्रेंड इज मेकिंग अ लोअर लोस, दिस इज मेकिंग लोअर लोस इन अ डाउन ट्रेंड एंड दिस इज मेकिंग अ हायर लोस इन अ अप ट्रेंड। तो यहाँ तक जो है हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट आपका जो ये इंस्टांस होगा या आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ऑनगोइंग ट्रेंड या स्टॉक का ऑनगोइंग ट्रेंड क्या चल रहा है, अपसाइड है या डाउन साइड। दिस विल हेल्प यू टू मेक अ व्यू ऑन एनी पर्टिकुलर रिस्क। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि हमें ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज किया। अगर ये चीज़ क्लियर वो नहीं आ रही ओके मैं ओके आई होप नाउ वॉइस इज क्लियर। अब मेरी वॉइस आपको आ रही है? ओके ओके आप आ रही है आपको मेरी वॉइस? सर बिल्कुल, मैं म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ। अब आपको आ रही है मेरी वॉइस? हेलो एवरीवन, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके ओके थैंक यू। ओके लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरह से इसके जो लेवल्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया है। आप किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से और किसी चार्ट को ओपन करते हैं, सपोज पीएसओ को ओपन कर लेते हैं। तो पीएसओ को जब ओपन किया तो पीएसओ के अंदर अगर अप ट्रेंड बन रहा है तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। दिस इज अ लो बट दिस लो इज हायर देन दिस वन। सिमिलरली दिस इज अ लो और ये भी एक लो है, बट इसके बाद ये जो बना है ये हायर लो नहीं बना है, ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पे ट्रेंड जो था वो कंसिस्टेंट था। उसका मतलब है जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से जो है सपोर्ट आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो यू कैन सी कि स्टॉक ने यहाँ से जो है रीबाउंड किया। सो नाउ इट्स अ क्लियर साइन कि अगर इस लेवल के ऊपर आके स्टॉक रीबाउंड कर रहा है तो दिस इज शोइंग अ सपोर्ट लेवल। और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ब्रेकआउट मीन्स कि आप यहाँ देख सकते हो ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि ये हमने लाइन ड्रॉ की थी कि ये एक इसकी सपोर्ट लाइन है जहाँ से इसने लास्ट टाइम रीबाउंड किया, तो एक्सपेक्टेड चांसेस हैं
कि यहाँ से भी रीबाउंड करेगा एंड इट डेड। उसके बाद इसने सस्टेन नहीं किया उस रीबाउंड को, और सस्टेनेबिलिटी का इशू था क्योंकि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी। तो आपको बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉलो करनी होगी। तो बैकवर्ड लुकिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये इसका हाई था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस लेवल के ऊपर इसने इसी सिमिलर लेवल को टच किया, उसके बाद डिक्लाइन किया। दैट मीन्स कि अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को नहीं देखेंगे तो आपको जो है डिसीजन मेकिंग लेने में टेक्निकल में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो समहाउ ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बैकवर्ड लुकिंग में नहीं जा रहे हैं तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके जो है इसने लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया। जब ये लोअर लोज कंसिस्टेंटली बना रहा है तो दिस इज शोइंग अ डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया इस स्टॉक में। तो अगर हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को लिंक कर दें तो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड एंड दिस इज आवर डाउन ट्रेंड। तो जो ये बुक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा जो एनालिसिस सीखी है वो इस बुक के थ्रू सीखी है, और इस बुक की हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो थॉरली पढ़ा है, समझा है और फिर उसको अप्लाई किया है। क्योंकि जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपका काम ये होगा कि आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं करना है किसी भी एक कंपनी को जो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो। आपको उस कंपनी को पिक करना है और उस कंपनी का जाके चार्ट ओपन करना है। चार्ट किस तरह से ओपन होगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उससे भी देख सकते हो, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा कि आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं। आपको जाके उन चार्ट्स को खुद से काम करना है। जब आप खुद से काम करोगे तो ही आप उसको सीख पाओगे, अदरवाइज जो है आप उसको सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी बुक के ऊपर और फिर हम देखते हैं कि हमने क्या काम किया। तो हमने जो है वो बेसिकली ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने ट्रेंड लाइन को और इस चीज़ को चैनल को बनाना सीख लिया है कि किस तरह से बनता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकली चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हो और वो आपको हेल्प आउट करेंगे। बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैं फौरी से बता सकता हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये इट्स अ मार्केट ट्रेंड, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स क्या होता है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। ओके जी, जल्दी से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम आगे चलते हैं। ये पिवट पॉइंट रेशियोज वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज़ द चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ओपन हाई लो क्लोज चार्ट होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इतने ज़्यादा आप कह लो कि आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि इसमें इतना मज़ा नहीं आता है। और लाइन चार्ट, बार चार्ट, जो भी है। आज हम चलते हैं कैंडल्स पे, चार्ट पैटर्न्स पे। ओके, तो आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे लोग जो है वो चार्ट पैटर्न की बेस पे अपनी एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो है आपको बताते हैं कि अब इसका एक्सपेक्टेड टारगेट कितना होगा। क्योंकि चार्ट की बेसिस पे टारगेट के फाइंड आउट करना तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो उसको मीट करता है, ज़रूर मीट करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये कुछ चार्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, हेड एंड शोल्डर्स, ट्रेंड लाइंस, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ब्रॉडनिंग टॉप, प्राइस चैनल, वेज, और इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो आपको इन सब पैटर्न्स को एक एक करके डिस्कस करना है। आज हम बात करते हैं, चलें हेड एंड शोल्डर, हम कोशिश करेंगे हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन और कप एंड हैंडल को जो है, और जो सिंपल सिंपल है डबल टॉप और डबल ट्रिपल बॉटम, इसको डिस्कस कर लें, बाकी जो हम बाद में ले जाएंगे। फिर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि अगर हमें किसी स्टॉक के अंदर ये चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो ये ओपन कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर। सो लेट्स मूव ऑन टू द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो नाउ यू कैन सी द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, के हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आप चार्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो इस तरह की होगी कि आपके पास चार्ट जो है वो इस तरह से चल रहा होगा कि एक ये लेवल आएगा, फिर उसके बाद ये डिक्लाइन करेगा और फिर ये यहाँ से इंक्लाइन करेगा, और ये इसकी जो आप कह लें कि ये जो बीच का पार्ट होगा ये काफ़ी बड़ा होगा जो कि हेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर जो है आपको शोल्डर्स दिखते हुए मिलेंगे, और इनका जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो लेवल है वो चेंज हो, वो ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट होगा। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, इट्स अ थ्योरेटिकल, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है।
लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आपको स्लाइडली डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो क्लोजेस्ट होगा, एक ही लेवल पे होगा। तो इसकी बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी किस तरह से फॉर्म करते हैं, आपको ये नेक लाइन नज़र आ रही होगी बिल्कुल, कि ये जो नेक लाइन है यहाँ पे, ये नेक लाइन जो है ना, ये सपोर्ट लेवल है। आप इस नेक लाइन को देखते हैं आप नेक लाइन को देखते हैं कि नेक लाइन जो है, अगर इसने ब्रेक कर दी तो फिर इसका टारगेट कितना होगा। अगर नेक लाइन को ब्रेक करता है तो फिर टारगेट जो है ना, वो इसका हेड और नेक लाइन का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस जो है आप टारगेट एक्सपेक्ट करोगे। मींस के लेट्स अज्यूम के दिस इज 5 रुपीज एंड दिस इज 5 रुपीज एंड दिस इज 10 रुपीज, ओके। तो जो डिफरेंस है बेसिकली यहाँ नेक लाइन से इसका, ये 10 रुपीज का डिफरेंस है। तो अब अगर यहाँ पे जो है जो भी प्राइस होगी उसकी, लेट सपोज यहाँ पे प्राइस 40 होती है, ओके, सो 40 है और ये जो डिफरेंस है ये 10 रुपीज का है। तो अगर इसने नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया तो 40 में से 10 रुपीज को आप कम करके 30 इज योर एक्सपेक्टेड टारगेट। एंड यूजुअली जब हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता है, तो जब चार्ट पैटर्न की बेसिस पे आप काम कर रहे होते हो, तो आपका जो टारगेट है वो उसी बेसिस पे अचीव होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे क्या इसके अंदर इस तरह का पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया फिर डिक्लाइन हुआ और सिमिलर लेवल के ऊपर है। अगर सिमिलर लेवल के ऊपर है तो आप इसका टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करोगे। टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आप इसका डिफरेंशियल लोगे हेड का और नेक लाइन का, और इसका डिफरेंशियल लेने के बाद आप देखोगे कि कहाँ पे इसकी जो है कितना अमाउंट बन रहा है, डिस्टेंस कितना है। तो हमने अज्यूम किया 10 रुपये का डिस्टेंस है यहाँ पे, और प्राइस जो है नेक लाइन की वो प्राइस है 40। तो जब मैं अपना टारगेट सेट करूँगा ब्रेकआउट के बाद, तो माय टारगेट वुड बी 40 रुपीज़, जो कि ब्रेकआउट लेवल है, देन माइनस द डिफरेंस बिटवीन नेक लाइन एंड हेड हाईएस्ट वैल्यू। सो उस डिफरेंस को माइनस करके मैं यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर लूँगा कि उस लेवल तक जाएगा, एंड इट एक्चुअली बिहेव इन दिस वे। सो आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ता है। आई होप दिस चार्ट पैटर्न इज क्लियर, कि आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। सर अभी W पैटर्न को छोड़ दें, अभी आप जो हैं वो जो अभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर फोकस रखें, ताकि आपका आप जो है वो एक फोकस्ड स्टडी कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो भी चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे बाद में, वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं और मैं भी उसके ऊपर आ जाऊँगा ताकि वो आपको हेल्प आउट करें। तो आई होप दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो क्लियर होगा आप सबको। बुक नेम जो है, ये एक बुक है, बुक का नाम आपको वो नहीं मिलेगा, ऑथर का नाम भी इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, बट ये एक ओपन सोर्स बुक ही है जो कि मिल गई थी। तो मैं आपके साथ आप लोगों के साथ वो बुक शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल सर दे दूंगा लेक्चर ऑन वॉल्यूम प्राइस एक्शन फॉर इंटरडे ट्रेडिंग। मैं बिल्कुल सर इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, और हम हमारी मार्केट पर भी बात करेंगे अभी इसके अंदर। अभी मेरे पास 32 जो है लाइव व्यूअर्स आ रहे हैं, तो लाइक बटन को दबा दो यार। पीपल आर इन अ रश, यस एग्जैक्टली, पीपल आर इन अ रश, यू कांट स्टडी और यू कांट लर्न एवरीथिंग इन ओवर द नाइट। सो ग्रेजुअली अगर हम इसको लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो चीज़ों को और आप उसको पढ़ सकते हो। पॉइंट ये है कि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको सबसे आसान एक पैटर्न बताता हूँ, वो शायद इसके अंदर होगा बुक के अंदर, लेकिन वो है आपका बॉक्स पैटर्न उसको कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल पैटर्न कहते हैं। उस पैटर्न की बेसिस पे आप इंटरडे के अंदर ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं उसको बॉक्स पैटर्न जो है वो कहता हूँ। सर रोज़ लाइव होते हो, सर जी अभी कोशिश यही है कि रोज़ लाइव हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आऊँ, और टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा कि टाइमिंग जो है वो थोड़ा अर्ली कर लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए, क्योंकि थोड़ा लेट नाइट हो जाता है तो उसके अंदर भी हमें देखना है। तो मैं आपको एक बॉक्स पैटर्न बताता हूँ। बॉक्स पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। सो लेट्स अज्यूम हम लेते हैं लकी सीमेंट को लेते हैं, चले
बॉक्स पैटर्न के अंदर बेसिकली हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग हो रही होती है, आप उस हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर जो है वो काम करते हो। ज़रा निकाल लें कि बॉक्स पैटर्न जो है कहीं पे बना है या नहीं बना, ये सारे अप ट्रेंड आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको आर्ली बेसिस के ऊपर जाके देखें तो आर्ली बेसिस के ऊपर मुझे क्या बॉक्स पैटर्न कोई मिलता है या नहीं मिलता, वो भी हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, एक्चुअली इट्स अ राइट नेम इज़ रेक्टेंगल। तो मैं इस रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देखते रहिएगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है रेक्टेंगल पैटर्न को। तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न जो है वो ड्रॉ किया है मैंने। अब आपको इसके अंदर जो है स्ट्रैटेजी किस तरह से बिल्ड करनी है अपनी, कि ये जिस साइड पे भी ब्रेकआउट देगा, अप साइड पे डाउन साइड पे, ठीक है, वहां से आपको अपना टारगेट जो है वो सेट करना है। अब टारगेट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट कैलकुलेशन के लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको हाईएस्ट लेवल देखना पड़ेगा और लोवेस्ट लेवल देखना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस कि मेरा हाईएस्ट लेवल इसके अंदर आ रहा है 497, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहां मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ 497, ओके। उसके बाद अगर मैं लो लेवल देखूं तो लो लेवल मेरा यहाँ पे आ रहा है, दिस इज 478.81, 479, तो ये दिस इज 478.81, दिस इज 479, दिस इज 478.52, दिस इज फर्दर लो, ओके लेट मी कंसीडर, बिकॉज ये इससे नीचे नीचे ट्रेड हुआ है, तो दिस इज द लेवल 478.52। तो मैं इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लूँ, 478.52, सो द डिफरेंस इज 18 रुपीज़। तो अब जब मैं इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ तो माई टारगेट वुड बी 460। तो मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया, 478.52, सो दिस इज लो लेवल ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न का जो लो है 478.52, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज एक्चुअली 18.48। तो मैंने काम क्या किया है, हाई माइनस जो, क्योंकि इसने लोअर साइड पे ब्रेकआउट दिया है, तो जो मेरा लो है, लो 478.52 माइनस द डिफरेंस 18.48, तो जो प्राइस आई है मेरे पास टारगेट प्राइस, ये टारगेट प्राइस आई है 460.04, so 460.04, दैट मीन्स के अगर मैं इस रेक्टेंगुलर पैटर्न की बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ इसको, लेट एज्यूम कि इसको यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और जाके इसके कोऑर्डिनेट से इसको चेंज करता हूँ 460.04, सो दिस इज माई टारगेट। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द टारगेट विच हैज़ बीन अचीव्ड बेस्ड ऑन दिस चैनल। कैन यू सी द डाउन साइड इज ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट। अब आप जब टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो वहां पे ग्रीड नहीं आती है, बिकॉज वंस यू सेट यू हैव टू, इफ यू आर शॉर्ट ऑन दिस पोजिशन, सो यू हैव टू कवर योर शॉर्ट एट दिस लेवल 460, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाउन साइड मोमेंट, दिस इज योर मैक्सिमम टारगेट। वंस यू अचीव योर टारगेट देन यू हैव टू क्लोज योर पोजिशन, ईदर यू आर इन अ लॉन्ग पोजिशन और अ शॉर्ट पोजिशन। सो इज इट गुड, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यार वीडियो लाइक कर, इतना मेहनत कर रहा है, हमारी लाइक से इसको फायदा है तो प्लीज क्लिक, ओके। सो आप लोगों को आई होप दिस इज क्लियर कि मतलब ये चार्ट पैटर्न की बेसिस के ऊपर जो है वो आप किस तरह से इजीली अपना टारगेट जो वो सेट कर सकते हो और आप कितना इजीली इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हो। इट्स अ आर्ली बेसिस चार्ट, तो अगर हम आर्ली बेसिस के ऊपर जो है इसको काम कर रहे हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो हमने रेक्टेंगुलर बेसिस के ऊपर ये चार्ट निकाला, तो आपको एक रेक्टेंगुलर बनाना है और उसके अंदर प्राइस को जो है गेज करना है। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, अभी जो है हम थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं सना ज़िया, तो अभी सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लर्निंग हो जाए और आप लोगों को चार्ट रीड करना आ जाए, ताकि आप इन बेसिस के ऊपर खुद से ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्डअप कर सको और ईजिली जो है टारगेट बेस्ड काम कर सको, रादर देन के आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हो कि मुझे किस लेवल पे सेल करना चाहिए, किस लेवल पे बाय करना चाहिए। तो आपने बिल्कुल देखा होगा कि जो हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पे बनाया उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ
और अचीव होने के बाद जो है हमने हमारी पोजीशन को क्लोज किया, और उसके बाद आप देखें कि मार्केट और इस स्टॉक ने जो है वो वहीं से टर्न लिया है। दैट मीन्स कि अगर हम इस बेसिस पे काम कर रहे हैं तो वी हैव टू बी इन डिसिप्लिन कि मुझे जो है अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली काम करना है। सर फ्यूचर में किसी बॉक्स लगते हैं या टारगेट है? सर आपका सवाल समझ में नहीं आया मियां शाहिद साहब, अगर आप दोबारा से पूछें। ये चार्ट सही नीचे एक ऊपर भी गया है, दिस वॉज फॉर डाउन ट्रेंड। अच्छा, रेक्टेंगुलर पैटर्न की बेसिस पे आप जो भी डिसीजन मेकिंग करोगे ना वो डिपेंड करेगा कि जहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा। अगर ब्रेकआउट जो है अपसाइड पे देगा तो यही डिफरेंस, आपने हाई लो का डिफरेंस लिया और जो ब्रेकआउट का लेवल है उससे आपने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो अपसाइड का आपका टारगेट बन जाएगा। लेकिन अगर उसने डाउन साइड के ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो ब्रेकआउट दे रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि कितना इजीली हमने इसको बनाया, और इसको बनाने के बाद जो है हमने कितना इजीली इसके अंदर जो है वो अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो यहाँ पे बुक किया और बुक करने का निकल गया, और यहाँ आप देखोगे ये टारगेट को अगर, तो एक और चीज भी आप नोट कर सकते हो कि ये इसकी ये सपोर्ट लाइन भी है कि दिस इज अ सपोर्ट एरिया एज वेल। तो जब ये डिक्लाइन किया तो अपने टारगेट को इसने उसी लेवल पे प्रिडिक्ट किया जहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही थी, और ऑल दो ये नीचे गया लेकिन ये देखिए यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, इसने यहाँ से अप डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन लिया है। प्राइस रिजेक्शन जो है वो लास्ट स्ट्रीमिंग के अंदर बताया था कि प्राइस रिजेक्शन क्या था, इतना ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन लिया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो बेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावर में नहीं है जितने ज़्यादा बुल्स हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पे इस एरिया को जो है सस्टेन नहीं होने दिया, पुल बैक दिया है, ठीक है, और उसके बाद ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। और ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, दिस इज समथिंग के कोई न्यूज आई है मार्केट के अंदर, कुछ हुआ है, कुछ हाईली मार्केट के अंदर प्रेशर हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल जो है ना फॉर्म हुई है। सो बिग कैंडल का होना मीन्स कि बुलिश साइन जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको इस चीज़ पे भी नज़र रखनी होगी कि कैंडल्स का जो साइज है वो कितना ज़्यादा जो है ना बिग है। तो ये देखें आप बिग कैंडल, ये इंटरडे बेसिस के ऊपर है, ओके, सो आपको ये चीज़ देखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो कि ये चार्ट के अंदर अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI जो है वो ऑलमोस्ट 46 के लेवल पे, बट स्टिल इट बिहेव, ठीक है। तो आप अगर पैटर्न बेस्ड ट्रेड करें तो आपको अपने टारगेट के लेवल को अचीव करते साथ ही निकलना होगा। चलें एक और बनाते हैं और फिर उसके ऊपर देखते हैं क्या उसके ऊपर अचीवमेंट हुई हमें या नहीं हुई। तो कोई मुझे अगर कंपनी का नाम बताएं, वीज चार्ट में हेड एंड शोल्डर का पता चलता है, लेकिन हमें ये कौन से पता चलेगा कि नेक्स्ट भी हेड एंड शोल्डर चार्ट बन रहा है कि नहीं। सब फॉर्मेशन को देखना पड़ता है कि फॉर्मेशन किस तरह से आ रही है, जिस तरह की फॉर्मेशन होगी तो उस तरह से आपको जो है वो चीज़ को गेज करना पड़ेगा। तो और कोई कंपनी जो कि मैं ओपन करता हूँ, लेट्स से DGKC सीमेंट सेक्टर, मैं यहाँ पे आता हूँ सीमेंट सेक्टर में। तो चलिए मैं जो हूँ यहाँ पे एक और चार्ट ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगुलर पैटर्न स्टार्ट करता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इट्स अप टू यू कि आप जहाँ जिस पॉइंट से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसका एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया, मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इसने ये हाई रिकॉर्ड किया था, तो मैं अब इस पॉइंट इन टाइम पे आके बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से जाएगा किस तरह से नहीं जाएगा, तो मैं मैंने सिंपली इसको ड्रैग कर लिया और मैं वेट कर रहा हूँ। जब आप बनाओगे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, कैंडल्स जो वो इस लेवल पे हैं, तो आपको नहीं पता कि आगे किस लेवल तक जाएगा, तो आप इसको फर्दर अपने से ही थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे और फिर आप उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न का जो पैटर्न हमारा बना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसका जो लो है, दैट लो इज़ अराउंड 61.70, ओके। सो मैं इसको अपने पास कैलकुलेट कर रहा हूँ, 61.70, और उसके साथ साथ अगर मैं हाई देखूँ तो हाई जो है वो ये लेवल है इसका, जो कि कितना है 70.55, सो 70.55। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ तो दिस इज़ अराउंड 8.85 रुपीज़, और अगर इसके अंदर मैं ऐड कर लूँ तो मेरा टारगेट कैलकुलेट होगा 79.4। यहाँ पे आके मैं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि अपसाइड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया है,
तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 79.44। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आगे इस लेवल पे आगे देखें, ये जो एरिया है कि स्टॉक ने इस पे आगे जो है वो रेजिस्टेंस ली है और सॉरी सपोर्ट ली है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने। तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो इंटर डे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आर्ली बेसिस के चार्ट पे हम देख रहे हैं और आर्ली बेसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इसका यूज़ है इसका, और काफ़ी अच्छे से जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा है और उसके साथ साथ जो है कितना अच्छा आपको जो है बना के दे रहा है। तो आपने जो है यहाँ पे इतना रिटर्न बनाया जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड, तो इसने इस लाइन को टच किया। तो एक और चीज़ मैं दोबारा से यही कहूँगा कि आप जब भी टारगेट बेस्ड काम करते हो, मैं इस चीज़ पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब भी आप टारगेट बेस्ड काम करते हो तो आप अपने टारगेट के अचीव होने के बाद पोजीशन को क्लोज कर देते हो, और अगर आप अपने टारगेट के अचीव होने के बाद पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे दैट बिकम्स अ ग्रीडीनेस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और अगर आप ये देखो तो इस लाइन को अगर हम देखें तो दिस बिकम अ रेजिस्टेंस एज वेल। तो आप ये चीज़ को नोट कर लो कि जो हमने ये जो टारगेट अपना सेट किया, द कैलकुलेटेड टारगेट इज एग्जैक्टली मीटिंग द रेजिस्टेंस लेवल। सो आप इसको ये चीज़ को देख सकते हो कि जो हमने यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकली कैलकुलेशन की है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ हाई लो के नंबर्स ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि हाई लो क्या था। सो द हाई इज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैटर्न इज 70.55, लो इज 61.70, डिफरेंस आपके पास निकल कर आया इसका 8.85। टारगेट हमने कैलकुलेट किया, टारगेट इक्वल्स टू, टारगेट जो है वो मेरा आया है 79.44, और दिस इज इक्वल्स टू द हाई ऑफ 70.55 प्लस 8.85 द डिफरेंस। दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द टारगेट, और आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइज। Does it also work on a daily chart? Yes, it can also work on a daily chart. But अगर आप intraday trading कर रहे हो तो intraday के लिए तो बहुत ही ज़्यादा useful है। मुझे अगर next week लेना है DG तो next week के किसी box pattern लगाऊंगा। Sir ये मैंने बताया आपको intraday trading के लिए useful है। Next week अगर आपको लेना है तो उसकी trend line और बाकी सारी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। और क्योंकि देखें ये technical analysis जो है ना वो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ के ऊपर जो है dependent है या कुछ, तो आपको मल्टीपल चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा जो कि आपके स्टांस को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं, मींस के और ज़्यादा कॉन्क्रीट बनाते हैं। तो आप जब उन चीज़ों को देख रहे होगे कि भाई ये वाला पैटर्न भी इसको बाइंग सपोर्ट कर रहा है, ये वाला पैटर्न भी बाइंग सपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑल आर सपोर्टिंग इन अ पॉजिटिव वे, दैट क्रिएट्स अ मच मोर कॉन्क्रीट पोजिशन। तो आपको एक अच्छा साइन मिल जाएगा, आपकी जो एनालिसिस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी कि ठीक है अब इसमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल इंडिकेटर्स, इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑल आर सपोर्टिंग फॉर द बाइंग और ऑल आर सपोर्टिंग फॉर द शॉर्ट्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी भी एक इंडिकेटर पर ऑब्वियसली बेस नहीं करते हो, आप किसी भी एक इंडिकेटर पे बेस नहीं करते हो, आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, देन उसके बाद आप अपना अपनी स्ट्रेटजी जो फॉर्म करते हो। ओके एक साहब ने बोला आई ज्वाइन नाउ, यू ऑल्सो यू मोस्ट वेलकम कि आपने अभी ज्वाइन किया। आपको प्रीवियस जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, वो आपको मिल जाएगा हमारी चैनल पे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मिस हानिया सईद आपका क्वेश्चन क्या था ऊपर आपकी चैट में कल से मिस हो गई है, तो अगर आप दोबारा से चैट अपना क्वेश्चन लिख देंगी तो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी टू आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं आपको तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताइए। डज बॉक्स पैटर्न ऑल्सो वर्क व्हेन द स्टॉक इज ओवरबॉट? येस इट ऑल्सो वर्क इन द ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजिशन। तो बॉक्स पैटर्न का जो मेन काम है जो आपको करना है या आपको इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली ये चीज़ देखनी होगी कि आप जब बॉक्स पैटर्न को यूज़ कर रहे हो तो आपको हाई लो को देखना पड़ेगा कि उसका हाई कौन सा है लो कौन सा है। जो सबसे लोएस्ट एरिया होगा आपको उसको टच करना है, और जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको टच करके आपको इसको सिंपली जो है स्ट्रेच कर देना है आगे तक। अब ये यहाँ पे शॉर्ट वे के अंदर घूम रहा है, ठीक है, जिस लेवल पे भी ब्रेकआउट देगा
अगर अपसाइड ब्रेकआउट देगा या डाउनसाइड ब्रेकआउट देगा। तो जिस लेवल पे भी ब्रेकआउट देगा आपको उस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट है दैट मींस कि ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और अगर डाउनसाइड ब्रेकआउट है तो उसके डाउनसाइड जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इसी बॉक्स पैटर्न को हम बनाएं तो ये भी एक पैटर्न बन सकता है, अभी अभी दिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये बॉक्स पैटर्न है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द हाई लेवल। ओके, सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग दीज टू नंबर्स। सो इसने डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे इसने डाउन साइड पे ब्रेक दिया, तो मैं इसको और ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, यहाँ तक कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉइंग द लाइन कि अगर ये इस लेवल को, तो दिस इज द हाई लो, ये लेवल है इसका। ठीक है, और मैं इस लेवल को ही स्ट्रेच करके नीचे लेके जाता हूँ, तो ये लेवल बन गया। सो दिस इज माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो माय अल्टीमेट टारगेट फॉर दिस पोजीशन और अकॉर्डिंग टू दिस रेक्टेंगुलर पैटर्न दिस वुड बी माय टारगेट। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि जो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ है ये कंसिस्टेंटली नीचे आया, और इसने यहाँ पे आके थोड़ी सी जो है सपोर्ट दिखाई है, उसके बाद ये यहाँ से डिक्लाइन हुआ। तो ये जब यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है, तो एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी होगी, जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि यहाँ पे जब ये रुक रहा है तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, आप इन कैंडल्स को और क्लोजली वॉच कर सकते हो, थोड़ा जूम करके देखें। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर नाउ कि ये जब यहाँ से डाउन साइड रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन ये अप साइड के ऊपर भी रिजेक्शन दे रहा है और ऊपर नहीं जा रहा, और ये वाली कैंडल के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड दिया है, कि मतलब इन दोनों कैंडल्स के जो ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट्स थे उनसे नीचे पे ये क्लोज हुआ है, जिसने इसके डाउन साइड मोमेंटम को फर्दर स्ट्रेंथन किया और ये जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। सो आई होप यू लाइक दिस बॉक्स पैटर्न स्ट्रैटेजी, कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसको आप यूज़ कैसे करेंगे। आई एम बिगिनर, मैंने अभी तक एंट्री नहीं ली है, कैसे इंटर करूँ? जिशान मुगल साहब, आप बिल्कुल इंटर कर सकते हैं। आपके लिए, इसके लिए इंटर करने के लिए आपके पास जो है वो एक अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू जो है ओपन करा सकते हैं। और जब आपके पास अकाउंट आ जाएगा तो फिर आप उसके अंदर जो भी स्टॉक्स आप लेना चाहें अकॉर्डिंग टू योर फंड, तो आप वो बिल्कुल ले सकते हैं और उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो डेली बेसिस पे आराम से। सर ISL पे भी बॉक्स पैटर्न लगाकर बता दें? ओके श्योर, ISL के ऊपर भी देख लेते हैं। देखिए, आप सारी चीज़ें एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, मीन सारे पैटर्न ना आप एक साथ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक चार्ट उठाना है और एक एक पैटर्न एक एक दिन के अंदर जो है ना उसको डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके देखना है और उसकी टेस्टिंग करनी है कि क्या ये चीज़ किसी एक स्टॉक पे इम्प्लीमेंट होती है या ये चीज़ जो है किसी और स्टॉक पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, तो और ये चीज़ इस पैटर्न बेस्ड जो है ना उसी टाइम पे काम आएगा जब वो एक शेप के अंदर जो है ना एक मोमेंटम के अंदर घूम रहा होगा। तो लेट्स प्लान ऑन दिस कि दिस इज द लेवल, सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस। ओके, मैं इसको इस यहाँ तक ले जाता हूँ। चलो, मुझे नहीं पता था कि ये इस लेवल पे ब्रेकआउट देगा, बट मैं इसको कनेक्ट करके लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द लो लेवल एंड दिस लो इज एक्चुअली 45.02। तो मैं अपने पास लिख लूँ ज़रा 45.02, उसके बाद द हाई इज 51.12, दिस हाई इज, मुझे सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेना है, दिस इज 51.11, तो 51.12 इज माई हाई लेवल और 51.15, सो दिस इज 51.15 इज माई हाई लेवल। ओके, 51.15 and the difference of this is 6.15 and the ultimate target is 57.28. so let me place my target 57.28.28. so here you can see this is my target, this is my actual calculated target. Okay, this is not on the expectation, this is not on the rumors, this is based on the expected pattern jo hai iska uski basis ke upar hai. So now you can see ki ye yahan pe aaya hai, yahan pe aane ke baad ye intraday ke andar decline hua hai aur ek substantial isne yahan pe jo gap build kiya tha, lekin is gap ko isne quickly fill kiya hai.
अब यहाँ पे पैनिक भी आ सकता है ऑब्वियसली कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो एग्जैक्टली मीट तो कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, आपको अपना पेशेंस जो है वो रखना पड़ रहा है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप जो है ज़्यादातर लॉस बुक करोगे, और जितने भी आप इन्वेस्टर देखोगे जो कि आपके साथ हैं, और थैंक यू सो मच, जितने भी आपके साथ हैं लोग और जो आपके साथ काम करते हैं, आप जब भी उनसे पूछोगे कि आपको लॉस हुआ या गेन हुआ, तो वो दे ऑलवेज थे कि हमें लॉस हुआ, और लॉस इसलिए हुआ क्योंकि हमने पैनिक में आके ट्रेडिंग की थी। वेन एवर यू ब्रिंग योर इमोशंस इन टू ट्रेडिंग, सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, कि आपको वो सोचना चाहिए कि मतलब आप जब आप इमोशंस को ले आओ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मेकिंग मॉनेटरी पेन एज अ फिजिकल पेन, सो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर डोमेन, लीव इट। अगर आप मॉनेटरी पेन को जो है अपना फिजिकल पेन बनाओगे, लेट से आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस में हो या कुछ इस तरह से, तो फिर इन्वेस्टमेंट आपके काम आपका डोमेन नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ो और आप जाके जो है वो आराम से कहीं जॉब करो और पैसे बनाओ, दैट इज कॉल्ड पैसिव अर्निंग। आई होप यू लाइक दिस बॉक्स ट्रेडिंग और रेक्टेंगुलर पैटर्न ट्रेडिंग विच हेल्प्स यू अलॉट इन द इंटरडे ट्रेडिंग। जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं हमारे, वो इस ट्रेडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी की बेसिस के ऊपर जो है वो आराम से मनी मेकिंग जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो मेरे पास 50 व्यूअर्स आ रहे हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो हिट द लाइक बटन। अच्छा लगता है यार आपकी स्ट्रीम के ऊपर इतने लोग आते हैं, आपको देखते हैं, वॉच करते हैं और आपकी जो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो इट्स रियली गुड। नवीद, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड कीप इट अप, प्लीज डिस्कस ऑन द चार्ट, एबर्ट लेबोरेटरीज, थैंक्स। श्योर नवीद साहब, वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर। सो अभी तो हम जो मेन चीज कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग होगी, आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम किस चीज को देख रहे हैं अभी। तो हम बॉक्स स्ट्रैटेजी को हमने डिस्कस किया है और हमने मल्टीपल ऑलमोस्ट 3 स्क्रिप्ट्स के ऊपर हमने इसको चेक किया है और इट वर्क्स और ऑल द टाइम। तो दैट मींस वी ऑलरेडी बैक टेस्टेड दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी इन द इंटरडे टाइम फ्रेम, इज वेरी वेरी यूजफुल। ओके, आप इसका टाइम फ्रेम को शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर टाइम फ्रेम को शॉर्ट करोगे तो जो चंक होगा ना, आई ऑलरेडी हिटेड SMR भाई, थैंक यू सो मच सलमान सलीम साहब, तो जो आप जो चंक होगा मींस कि जो डिफरेंस है वो लो होगा, क्योंकि इंटर एक घंटे के अंदर जो वॉलेटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। 5 मिनट्स और 10 मिनट्स की बेसिस पे जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हो उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं, और उसके लिए आपके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप बिग पोजिशन को बिल्डअप कर सको और छोटे छोटे चंक्स के अंदर जो ना आप ट्रेडिंग करके पैसे बना सको। फॉर एग्जाम्पल आपने जो क्वान्टिटी, जब आप बिल्कुल ही स्मॉल स्प्रेड के ऊपर काम करते हो तो उसके अंदर आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी पड़ती है। लाइक आप 10,000, 20,000, 50,000 शेयर्स का काम कर रहे हो, जिसके अंदर अगर 20 पैसे भी अगर ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है मिल पाता है। तो इसलिए अगर आप इसको 1 आवर आरडी बेस्ड ट्रेड करोगे, ये जो रेक्टेंगुलर पैटर्न बेस्ड स्ट्रेटजी, अगर इसको आरडी पे इम्प्लीमेंट करोगे, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड विच इज़ मनी मेकिंग। सो आपने यहाँ पे एक चीज सीखी आज, न्यू चीज सीखी, ठीक है। अगर न्यू चीज सीखी है तो प्लीज चैट बॉक्स में स्पैम करोगे, हाँ जी आपने जो है ना न्यू चीज सीखी आज, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब तक पानी पी लूं, तो मैं आप लोग के साथ हूँ। आप अगर थोड़ा सा म्यूजिक सुनना चाहें तो म्यूजिक सुने और मुझे चैट के ऊपर बिल्कुल बताएं कि जो है आपको जो है ये स्ट्रीमिंग अभी तक जो हमारी स्ट्रीम है वो कैसी लग रही है। Okay guys, I'm back. Thank you so much for your appreciation.
ऑल ऑफ यू आर सपोर्टिंग मी, और आप सब इस रात में मेरे साथ हैं, हम लोग जाग रहे हैं, और डेफिनेटली इसकी भी हम कॉस्ट दे रहे हैं कि हम इतना लेट नाइट जाग रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू अ रिवॉर्ड एज वेल व्हेन यू प्रॉपरली अप्लाई ऑल द थिंग दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस स्ट्रीम. सो इट विल गिव यू टाइम कि आप जहाँ पे कमा सको. वी शुड अप्लाई द बॉक्स पैटर्न, करंट पैटर्न, रादर हिस्टोरिक पैटर्न. सर आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि लाइव ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आई ट्राई इन द नेक्स्ट वीक कि मैं मार्केट आर्ट्स के अंदर जो है वो आऊँगा और वहाँ पे हम बॉक्स ये रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है बनाएंगे, और बनाने के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट के अंदर. जब मार्केट चल रही होगी तो ये चार्ट जो हैं वो लाइव चल रहे होंगे हमारे पास, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है और उसकी जो स्ट्रेटजी वो क्या बन रही है, क्या हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो हम ये बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर. मैं लाइव ज़रूर आऊँगा जिसमें आपको आपके साथ बैठ के जो है वो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप लोग अगर लाइव हो गए तो. बट मोस्ट प्रॉब्ली के ज़्यादातर लोग होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं अभी करंट सिनेरियो के अंदर, तो डेफिनेटली दे विल बी अवेलेबल सो वी कैन कंडक्ट अ सेशन. तो अगर आप लोग जो हैं लाइव नेक्स्ट वीक में अगर मुझे बोलते हैं लाना चाहिए, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लाइव जो है ना मैं आऊँ नेक्स्ट वीक के अंदर और आपको ये चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम इम्प्लीमेंट करें एक्चुअल में. अगर आप सब यही चाहते हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बताएं मुझे, आपकी इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो आई होप दिस इज़ गुड. एक्चुअली मैं एक और चीज़ भी करूँगा कि मैं फाइंड आउट करके रखूँगा कि जो हमारे पास जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर हम उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो काम करेंगे. तो अभी क्या है कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसने अपने टारगेट अचीव किया है, तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन अभी ये है कि जो सिंपल सा एक पैटर्न है डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि उससे हमें एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि भाई डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की बेसिस के ऊपर आप किस तरह से काम करते हो और आप किस तरह से जो है अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उनको बिल्डअप करते हो. तो लेट्स प्लान फॉर द डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप. सो हियर यू कैन सी द डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल टॉप का मतलब क्या है. द डबल टॉप इज फ्रीक्वेंट प्राइस फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द बुल मार्केट. तो डबल टॉप का मतलब है कि स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है वो टू टाइम्स एट अ सिमिलर लेवल से जो है वो रेजिस्ट हुआ है, उसको हम डबल टॉप कहते हैं, ठीक है. आप यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे, ये जो है वो हुआ है रीबाउंड, आप कह सकते हो गिरा है, ठीक है. ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये दिस इज द फर्स्ट पीक एंड दिस इज द सेकंड पीक. डबल टॉप के अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड पीक होगी इट शुड बी इक्वल, ठीक है. और क्लोजेस्ट हम एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर सकते, अगेन लाइव ट्रेडिंग होती है, लाइव मोमेंट होता है, तो आप इसको एटलीस्ट जो है ना सिमिलर वे में रखोगे कि ये जो है ना ये टॉप इसके मिलने चाहिए. अगर इसके टॉप मिल रहे हैं यहाँ पे तो आप बिल्कुल उसको डबल टॉप जो है कंसिडर कर सकते हो. लेट्स फाइंड डबल टॉप. क्लियर है कि डबल टॉप फॉर्मेशन किस तरह की होगी, तो आप चैट बॉक्स में बताइए, तो फिर हम जो है इसको लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं. टीआरजी मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज. फराज शेख साहब बिल्कुल बना सकता है टीआरजी. तो जब तक ये अपने हायर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो तब तक आप इसके अंदर अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं. बेरिश मारुबुजू के बाद अप गया है. एहसन रहमान साहब सर आप बहुत आगे चल रहे, सर बहुत आगे. It's good when you know something you always try to share knowledge and it's very good thing. But क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना सर वो बिल्कुल basics से आए हैं, तो इतना ज़्यादा basics नहीं जानते थे, तो अब they are starting to know each and everything. So definitely it takes time to you know absorb. तो इस वजह से, और मैं बिल्कुल अपना pace ऐसा रख के चल रहा हूँ कि जैसे मैं एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ताकि वो सीख जाए और वो अच्छे से काम करे. आई होप कि मेरा जो डिलीवरी वे है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी स्लो पेस के अंदर है,
कि जो मैं कोई ज्यादा तेज भाग नहीं रहा हूँ, ताकि जो है कुछ चीजें मिस हो जाए, तो उस चीज को नजर में रखते हुए बिल्कुल स्मूथली लेके चल रहा हूँ. ईच एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज. आई होप यू लाइक इट. सो दिस इज क्लियर. डबल टॉप. सो लेट्स फाइंड आउट दिस डबल टॉप ऑन समवेयर इन द चार्ट. लेट्स फाइंड आउट. सो हियर यू कैन सी. Okay, so now we are on chart. So make it on a daily basis and let's find out the double top. Okay, we find out the double top. As you can see, this is the double top. So now you can see that easily, you know, आपने just one look के अंदर जो है वो identify कर लिया, oh this is double top. और जब double top बन गया two times, तो अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. ठीक है, जब double top एक दफा formation हो गया है और उसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा है, that means something is fishy. जब something is fishy का concept आता है, that means you have to close your position. Once you close your position, तो बस अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या बनेगी. यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये बनेगी कि आपको ये लो देखना है कि ये कहाँ से रीबाउंड हुआ है. तो दिस लेवल इज रीबाउंडेड फ्रॉम दिस लेवल. लेट मी, अब मैं इसी लाइन को लेट से ड्रॉ कर लेता हूँ. सही है, यही लाइन कॉपी पेस्ट कर दी और इसको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया. सो दैट मीन्स द डिफरेंस इज माई एक्चुअली द टारगेट लेवल. अगर इसने डाउन साइड को ब्रेक कर दिया, सो दिस इज द डिफरेंस इज माई टारगेट लेवल. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड वी ऑलवेज वर्क ऑन अ डिफरेंस. हाई लो का जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर. तो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इस लाइन से जो है वो सपोर्ट ले रहा हूँ. दिस वुड बी माई टारगेट लेवल. सो यू कैन सी कि जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो वंस इट ब्रोकन, दिस इज माई टारगेट 43.83. ऑल्दो ये टारगेट अचीव हुआ यहाँ से वापस रीबाउंड होने के बाद, लेकिन ये रीबाउंड होने के बाद जो इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया था, तो ये जो रेजिस्टेंस इसको मिली थी, अब यहाँ पे कुछ लोग पैनिक के अंदर आके जो है ना वो सेलिंग करते हैं. लेकिन आप इसको देखो कि ये इसने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया. तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी प्रीसीडिंग लेवल से ही लिया जाता है, क्योंकि वहीं पर एक जनरल कंसेंसस बिल्डअप होते हैं कि भाई ये एक लेवल है जहाँ पे इसको जो है ना वापस आना है. तो यू कैन सी के अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट जूम करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैं बार बार बात बोलता हूँ आप लोगों को, कि जो स्टॉक जो है वो एक गैप क्रिएट करता है, उस गैप को फिल ज़रूर करता है. तो आप ये देखो, ये जो गैप इसने यहाँ पे क्रिएट किया था, दिस गैप हैज़ फिल्ड बाय दिस हाई, जबकि इसने इसको यहाँ पे सस्टेन नहीं किया. ठीक है, लेकिन इस गैप को फिल कर दिया कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जाके और इस लेवल से वापस आया. उसका मतलब है कि टेक्निकली जितने भी गैप्स ओपन होते हैं, वो गैप्स कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आके फिल ज़रूर होते हैं. तो अगर आप गैप की बेसिस पे स्ट्रैटेजी करें, गैप बहुत तरह के होते हैं. एक इनिशियल गैप होता है, फिर एक मिडवे गैप होता है या ब्रेकआउट गैप बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है कि एग्जॉस्टन गैप होता है. उसकी भी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनती है जिसकी बेसिस पे आप काम करते हो. ठीक है, वो हम फिर अपनी लेटेस्ट जो स्ट्रीम्स होंगी बाद में, उसके अंदर हम इसको गैपिंग को डिस्कस करेंगे और निकालेंगे कि कौन कौन से गैप पे आपको एग्जिट लेना है, कौन से गैप पे आपको जो है वो एंट्री लेनी है. तो उस पर भी हम आप ये चीज़ को डिस्कस करेंगे. आई होप कि डबल टॉप इज क्लियर टू यू गाइस. अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए. येस इज क्लियर, प्लीज इवेंट ऑन. सर बिल्कुल मैं बता दूंगा. मैं इवन मैं ये कोशिश करता हूँ कि स्ट्रीमिंग के ऊपर जो है ना मैं एक जर्नल चीज़ रखूँ, जिसके अंदर जो है ना आपको जो लर्निंग का पार्ट है वो हो जाए. और जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में आप पूछते हैं ना, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी जाए, जिसके अंदर ये इस तरह की डिस्कशन नहीं होगी और वो टू द पॉइंट होगी कि सिर्फ उसी का रिव्यू होगा. तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जनरली इस चीज़ को इस तरह से प्लान करूँ, विच हेल्प्स अ लॉट. कि मतलब ठीक है सर, प्लीज़ ऑल्सो ब्रीफ अबाउट प्री ओपन मार्केट, आई मीन हाउ टेक्निकली वी इम्प्लीमेंट एज इंट्राडे ट्रेडर. आमिर सुहेल साहब, यस मियां शाही साहब, क्लियर है, सब क्लियर है. लास्ट में किसी इंडेक्स के करंट टेक्निकल भी शेयर करने हैं. ओके जैन सैगल साहब, बिल्कुल कर देंगे.
जैन सहगल साहब मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, और बहुत सारे शाहिद भाई, आमिर सुहेल साहब, ये सब रेगुलर व्यूअर हैं मेरे माशाल्लाह से, काफ़ी ये मेरे साथ एक्टिवली ट्रेड करते हैं, फयाज खान और जो है काफ़ी लोग और भी सारे, जो कि आज मैं काफ़ी न्यू नेम भी देख रहा हूँ चैट बॉक्स पे, तो दिस इज़ वेरी गुड कि मेरा जो है फैन बेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वाओ, वीकली फिपी पे बातें बताएं, व्हाट फिपी बाय सेल ऑन वीकली। सर फिपी वीकली बेसिस पे जो है वो बनाना पड़ेगा, तो वो अभी मेरे पास है नहीं बना हुआ, तो मैंने अगर इसको बना लिया, क्योंकि इसका डाटा कंपाइल करना होगा पूरे वीक का, तो अगर मैं उसको कंपाइल कर लेता हूँ तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा फिपी का डाटा कि वीकली बेसिस के ऊपर फिपी क्या है क्या क्या नहीं है, तो इट विल गिव यू मोर इनसाइट के वीकली बेसिस पे फिपी क्या रहा है। अगर हम ओवरऑल अगर मैं एक रफली बात कर लूँ तो ओवरऑल जो है फिपी वीकली बेसिस पे नेट सेलर्स रहे हैं फॉरनर्स, और हमारे जो लोकल्स हैं वो ज़्यादातर बाइंग साइट के ऊपर रहे, लोकल्स में भी इंडिविजुअल्स हैं वो वीकली बेसिस पे ज़्यादा बाइंग पे रहे, और जबकि दूसरे लोग जो हैं वो सेलिंग साइट पे रहे, ठीक है। लेकिन ये अभी मैं जनरल लेवल पे बता रहा हूँ, ऑब्वियसली डेटा होगा तो डेटा गिव्स अ मोर कॉन्क्रीट विजन अबाउट दी बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन, तो हम इसको देख सकते हैं। एहसन उस्मान साहब बिल्कुल आप भी रेगुलर हैं माशाल्लाह से, बाद वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। टाइमिंग क्या होगी एहसन रहमान, आप किस चीज़ की टाइमिंग पूछ रहे हैं प्लीज़ बता दें मुझे। पोल डी जी के सी लकी सीमेंट का बताएं, अरसलान यासीन, ओके सर। तो अब डबल टॉप जो है हम एक और स्टॉक में फाइंड आउट करते हैं, पोल में कर लेते हैं कि पोल में हमें मिलता है नहीं मिलता डबल टॉप, तो लेट्स सी यहाँ पे कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है अभी तक डबल टॉप। और आप जो है डबल टॉप में एक चीज़ देखनी होती है कि आपका जो लेवल है ना वो सेम होना चाहिए, तो आप उसको डबल टॉप फॉर्मेशन कहेंगे, वरना आप उसको डबल टॉप फॉर्मेशन नहीं कह सकते। जस्ट लाइक दिस, अब ये इसने एक जो है टॉप बनाया, उसके बाद ये टॉप बनाया, उसके बाद जो है ये डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये इसने ज्यादातर डिक्लाइन नहीं किया, ठीक है, इसने इस लेवल को सस्टेन किया है। अगर इसे ज्यादा पे क्लोजिंग देता और नीचे जाता तो इसके अंदर डाउन ट्रेंड बनता, बट इसने इस लाइन को जो है वो सपोर्ट किया है, जो इसकी डाउन साइड लाइन है। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे तो ये आपको बता देगा, देखें टेक्निकली कंफर्मेशन का वेट हमेशा करना चाहिए कि कंफर्मेशन आएगी तो आप ट्रेड करोगे। ये मैं अपनी लास्ट स्ट्रीम में भी बता चुका हूँ कि आप अगर कंफर्मेशन से पहले ट्रेड लेते हो इसका मतलब ये है कि आप जो हो वो जानते हुए भी जो है ना सामने खाई के अंदर कूद गए, तो जब आप कंफर्मेशन ले लेंगे उसके बाद आपको ट्रेड लेनी होगी, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से बिल्ड करने में, आपको प्रॉफिट बनाने में, अदरवाइज वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने हमने ये सपोर्ट बनाया था कि इस सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डे के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन जो सेकंड डे की कैंडल थी वो इंपॉर्टेंट थी, अगर ये इसे नीचे सस्टेन करता तो फिर हम इसको कंसीडर करते कि ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, और जो इसका डिफरेंस है दैट विल बी आर टारगेट। लेकिन हुआ क्या कि इसने नेक्स्ट डे के ऊपर इस लाइन से जो हमारी कैलकुलेटेड और ड्रॉन लाइन थी उससे ऊपर पे क्लोजिंग दी, तो विच इज एविडेंस कि भाई ये स्टॉक जो है इसने इस ट्रेंड को अभी तक तोड़ा नहीं है। दिस इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब आपको ये पता चला कि फॉल्स ब्रेकआउट किस तरह से आपने आइडिया लिया। फॉल्स ब्रेकआउट के लिए आपको जो है वो ख्याल रखना है कि एक दिन की कंफर्मेशन, एटलीस्ट वन डे कंफर्मेशन होनी चाहिए, और अगर ये कैंडल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं तो वो ये फिर नंबर ऑफ डेज को आप इंक्रीज करते कि 2 to 3 days जहाँ पे ये अपने प्रीवियस कैंडल का जो है वो हाई को ब्रेकआउट करे या लो को ब्रेकआउट करे, तो उसकी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्म करेंगे। तो स्ट्रेटजी फॉर्म करके काम करने में आपको ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो, राधा देन के आप जो है सिंपल किसी के कहने पर कोई स्टॉक बाय कर लिया और सेल कर दिया, या तो उस टाइम पे ये होता है कि आप फिर बिहेवियर और सेंटिमेंटल और हर्ट बिहेवियर पे काम करते हो,
ठीक है, तो हर्ड बिहेवियर पे जब भी काम करते हो तो जो अर्ली बर्ड्स होते हैं वो हर्ड बिहेवियर पे कमा लेते हैं, लेकिन जो लेट कमर्स होते हैं वो हमेशा गंवाते हैं। PKGI एक स्टॉक था जो कि आई गेस 2015 टू 2016 के एरा में टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊंचाई पे गया था, 4 रुपये से या पता 2-2.5 रुपये से उठ के वो 29-28 के लेवल पे गया था। तो उसके अंदर भी यही था, जो अर्ली बर्ड्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन जो लेट कमर्स थे जिन्होंने 20-25 रुपये पे और 28 रुपये पे ख़रीदा था, वो उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। सिमिलरली दीवान मोटर्स हैं, दीवान मोटर्स के अंदर भी यही चीज़ थी कि दीवान मोटर्स ने जब अपनी रैली स्टार्ट की थी तो दीवान मोटर्स ने काफ़ी अच्छी रैली बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने जो है उससे फ़ायदा उठाया था, लेकिन हुआ क्या इन दी एंड कि दीवान मोटर्स जो है ग्रुप पूरा का पूरा साउंड ग्रुप नहीं है, तो हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। दीवान मोटर, दीवान फाइबर, दीवान सीमेंट, जितने भी दीवान की जो कंपनीज हैं उनके अंदर जो है स्पेकुलेशन बहुत हाई लेवल पे होती है, तो आप उसको जो है किसी और स्क्रिप्ट के साथ जो है वो गेज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन पैकेज से कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा होगा, सीमेंट स्टील पे होल्डिंग टैक्स मौजूद है तो ये नेगेटिव होगा। मियां शाहिद इस्लाम साहब, बिल्कुल हमारा व्यू यही है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री है इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा और इस पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट और जो गवर्नमेंट की जो स्टांस है जिस पे गवर्नमेंट काम करती है और मोस्टली गवर्नमेंट ने जो अपने डिसीजन लिए हैं पास्ट के अंदर, अगर उन सबको एक्यूमुलेट करके उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और उनको चेक किया जाए तो यूजुअली होता यही है कि गवर्नमेंट अपने स्टांस से फिर जाती है। तो जो उन्होंने डिसाइड किया है वो उसके ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्शन नहीं देती है या उस चीज़ को मटेरियलाइज नहीं करती है। तो जब वो मटेरियलाइज नहीं करेगी तो वहाँ पे एक फ्लॉ आएगा और वो फ्लॉ जो है हमें बहुत दफ़ा पहले भी देखने को मिला है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बार बार एक चीज़ का होना वो उसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाते हैं। यहाँ पे यही चीज़ है कि जो सीमेंट का पैकेज जो इन्होंने रिलीफ पैकेज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को दिया है वो इतना साउंड नज़र नहीं आ रहा है अपेरेंटली, और डायरेक्ट भी नहीं है। और कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश हैं उसके ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं जो कि बोल रहे हैं कि ये कंप्लीट है और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुड भी पॉसिबल कि उनको बहुत ज़्यादा डस लगी होगी, तो वो आप बुलिश सेंटिमेंट्स को मार्केट में जो है ना वो बूस्ट करना चाह रहे हैं कि मतलब चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहें। लेकिन और दूसरी साइड पर और भी लोग हैं जो जॉइंट प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि मतलब ये पैकेज इनफ नहीं है स्टिमुलेट करने के लिए हमारी मार्केट को और हमारे सेंटिमेंट्स को, क्योंकि आप अगर रिजर्व साइड पे देखें तो फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और फर्दर जो एड वगैरह आएगी वो सारी चीज़ें इन सब कामों में लग जाएगी, तो आपके पास पैसे फिर भी नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। और जो इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है जो इतना ज़्यादा लो हुआ है वो उसकी रीज़न ये है कि जब पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो बंद पड़ी है तो प्राइसेस जो है वैसे ही डेप्रिशिएट हो गई हैं क्योंकि डिमांड साइड जो है वो गिर गई है जबकि जो सप्लाई साइड है वो इंटैक्ट है। तो इस चीज़ को लेके सेल्स ड्यूटी ऑन द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ लाइक सिगरेट, सर बिल्कुल अब करना ये है कि जो सीमेंट स्टील के स्टॉक्स हैं, चिराट सीमेंट की वीडियो जो है वो शेयर की थी दोपहर में, तो वो आप देख सकते हो चिराट सीमेंट की, उसके अंदर यही था कि चिराट सीमेंट ने, चले चिराट सीमेंट को डिस्कस ही कर लेते हैं अभी हम लाइव, तो आप यहाँ पे चिराट सीमेंट को देख रहे हैं, ये चार्ट बनाया हुआ ये ऑब्वियसली, तो इस चार्ट को जो है वो डिस्कस भी कर लेते हैं कि देखें चिराट सीमेंट ने यहाँ से रीबाउंड लिया और ऊपर जाना स्टार्ट किया, नो डाउट कि ये एक अच्छी मूव थी इसकी यहाँ से और इसने अपने इस लेवल को जो है वो सस्टेन किया और उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी और यहाँ से ऊपर चला गया। और यहाँ से जो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर पे क्लोजिंग तो दे दी है उसने क्योंकि वो लॉक पे खुला था और लॉक पे ही बंद हुआ, तो इतना बड़ा जो गैप इसने क्रिएट कर दिया है ऑलमोस्ट यहाँ से ये 62 का हाई है और उस पर क्लोज हुआ है एंड देन उसके बाद 67.09। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ज़रा निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना था, 62.41 एंड दिस इज 67.09, सो दिस इज एक्चुअली 4.68, जो कि हमें यहाँ से भी पता चला है कि 4.68 का जो गैप इसने क्रिएट किया, इस गैप को फिल करने के लिए इसको आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इसने इतना बड़ा गैप बना लिया है, इस गैप के बदले में इसके जो वॉल्यूम्स है वॉल्यूम्स बहुत लो हैं और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप
इजीली देख सकते हो कि वॉल्यूम्स जो हैं पिछले कोई 4 से 5 दिन के अंदर कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव साइन जो है बिल्ड कर रहा है कि वॉल्यूम्स नॉट सपोर्टिंग दिस अपसाइड। साइमल्टेनियसली अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI में भी यहाँ पे जो है ना, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो दिस वुड बी दी रेजिस्टेंस लेवल। अब इधर रुकती है नहीं रुकती है आई डोंट नो, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड लेवल है जहाँ पे इसके ऊपर जो है ना आप थोड़ा सा प्रेशर देख सकते हो। MACD जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश शो कर रहा है, तो MACD की बेसिस पे तो इसमें बाइंग बनती है, लेकिन अगेन आप एक किसी इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करते हो। तो अगर मैं बात करूँ कैंडल की, वॉल्यूम्स की और RSI की, तो बोथ आर शोइंग कि थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है 4 सेगमेंट के अंदर। इसका मतलब मंडे से फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो है ना DSL दो स्टील सर, दो स्टील बिल्कुल बेकार है, दो स्टील की मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, साउंड मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी बेसिस के ऊपर इसकी आए थे ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे, इसके ऑपरेशंस की इन्फॉर्मेशन आई थी उसकी बेसिस पर इसने रिएक्ट किया था, लेकिन बाद में वो इन्फॉर्मेशन फेक निकली और इन्होंने कोई भी रिज्यूम नहीं किया अपने ऑपरेशंस, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर। ओपन कैप हुआ था चिराट, बिल्कुल ओपन ही कैप हुआ था और ओपन और कैप पे ही बंद हो गया था, जो भी काम हुआ था वो प्री ओपनिंग के अंदर हुआ है, तो इसलिए वॉल्यूम्स जो है वो काफी ज्यादा लो थे। व्यू ऑन द रिपोर्ट जस्ट मेड ऑन द पब्लिक अबाउट वीट एंड शुगर क्राइसिस, विल इट अफेक्ट द मार्केट इन कमिंग वीक? सर वो रिपोर्ट मैंने डाउनलोड तो की थी लेकिन मैं देख नहीं पाया हूँ अभी तक, तो उसके ऊपर शायद मैं कुछ कमेंट्स अभी कर नहीं पाऊंगा जो वीट और उसकी थी। इंशाल्लाह मैं उसको कल की जो स्ट्रीमिंग होगी उसके अंदर ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि मैं उस रिपोर्ट को जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूँ या उसके ऊपर कुछ कमेंट्स जो है वो दे सकूँ आप लोगों को। तो और इसके अलावा जो है हम जो है TRG का बहुत बोल रहे हैं, तो TRG को भी देख लेते हैं। तो TRG में आप ये देख सकते हो कि ये चार्ट है TRG के अंदर, तो TRG के अंदर बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि आपके पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना वो फॉर्म हो रहा है, और उसने बल्कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, तो यहाँ पे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी एनालाइज करते चलते हैं। चलो तो अगर मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाऊं, सो दिस इज माय हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो दिस इज माय लेफ्ट शोल्डर, सो यू कैन सी हाउ आई एम ड्रॉइंग। ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है, आपको इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज दिस इज द लेवल, सो यू कैन सी दैट ऑब्वियसली एग्जैक्टली नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ स्टॉक्स का बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आप एक गाइडेंस ले सकते हैं TRG के अंदर कि ये जो चार्ट पैटर्न बना था इसकी बेसिस पे जो ट्रेड थी या जो कैलकुलेशन थी वो किस तरह से परफॉर्मिंग, दिस इज द लेवल ऑफ 21.42, आई एम एज्यूमिंग दिस इज द सेम लेवल, सो लेट मी कैलकुलेट द टारगेट, दिस इज 21.42 और दिस इज 21.42, लेट सपोज, ओके, दिस इज द नेक लाइन, दिस इज नेक लाइन एंड द हाई ऑफ दिस इज 29.41 एंड दिस इज 29.41 इज द हाई, लेट मी subtract, so 7.99, so when I minus this, so the target is 13.43, so now you can see the target based on the head and shoulder, so आपको लाइव जो है वो मैं निकाल के दे रहा हूँ, ये 13.43 This is the downside target. So now you can see के अगर आप इस basis के ऊपर trading करते तो आप easily इतने amount जो है वो बना पाते इस pattern की basis पे कि इसने यहाँ पे जो है वो decline किया अगर आपको पता होता तो।
अब आपको पता है अगर आप किसी चार्ट को देख रहे हो और ये पैटर्न नजर आता है तो उसकी बेसिस पे आप इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये पैटर्न ड्रॉ करना था और ड्रॉ करने के बाद इसके लेवल्स को कैलकुलेट करना था। तो मैं यहाँ पे लेवल्स लिख दूँ कि मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको नेक लाइन देखनी है कि नेक लाइन का लेवल क्या है। तो नेक लाइन हमने यहाँ पे एज्यूम की है 21.42, ठीक है। उसके बाद मुझे हेड का हाई देखना है, हाई रेट ऑफ हेड, ठीक है, ये निकालना था जो कि कैलकुलेट किया है 29.41। और फिर मुझे इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस इज 7.99 एंड टारगेट इज, क्योंकि ये डाउनवर्ड इसने ब्रेकआउट दिया है तो टारगेट कैलकुलेशन करने के लिए मुझे टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना था, टारगेट कैलकुलेट करना था नेक लाइन की जो प्राइस है 21.42 माइनस डिफरेंस 7.99। सो हियर यू कैन सी ऑल द थिंग्स इज प्रिटी क्लियर एंड दिस इज कैलकुलेटेड नंबर्स। ओके, दिस इज कैलकुलेटेड नंबर्स, ये वो नंबर्स नहीं है कि जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोच रहे हो कि ये मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यू यू ट्रेड विद विद द फुल कॉन्फिडेंस कि ये इस लेवल को अचीव करेगा एंड बेस्ड ऑन योर टारगेट यू हैव कैलकुलेटेड दीज नंबर्स एंड यू एक्ट ऑन इट, ठीक है। तो ये इसने अचीव किया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर आप यहाँ पे आने के बाद अपनी ट्रेड को कैंसिल नहीं करते हो जस्ट फॉर 1 रुपी और 1-2 रुपीज गेन के लिए आप अपनी ट्रेड को कैरी करते हो, तो ये आपके लिए जो है ना ये हो जाएगा कि आप अपने खुद के डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो। वंस यू डिसाइडेड कि आई हैव टू बुक माई प्रॉफिट एट दिस लेवल, दिस इज योर टारगेट लेवल, वंस इट अचीव यू हैव टू इमीडिएटली क्लोज योर पोजिशन। अगर आप वहां पे रुक रहे हो दैट मीन्स यू आर बेटिंग और यू आर स्पेकुलेटिंग नाउ, दिस इज नॉट योर टारगेटेड पोजिशन, यू आर एक्चुअली स्पेकुलेटिंग। और जब स्पेकुलेशन आती है तो फिर उसके बाद ये होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज को अच्छे से गेज करना होगा कि आप जब काम कर रहे हो तो काम करते हुए आपने अपने टारगेट को मीट जरूर करना है, और जैसे ही टारगेट अचीव हो तो आपने अपनी पोजीशन को कैंसिल करना है, आप फिर उसको लेके नहीं बैठोगे। तो चलिए आप इसका व्यू क्या बनता है आगे चल के इसका व्यू ये बन रहा है कि ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली कैंडल, दिस कैंडल इज एक्चुअली अ डेंजरस साइन, ठीक है। एक तो ये कि ये यहाँ क्लोजिंग जो थी वो थी ऑलमोस्ट हाई था 14.70 को, और ये जो इसने यहाँ पे लो अपना बनाया है दिस इज 14.85। तो अभी भी जो 5 पैसे का गैप है ये ओपन है, दैट मीन्स दिस गैप हैज़ टू फिल्ड। जब ये गैप फिल होगा, अब ये देखें ये वाला गैप ओपन था, ये गैप ओपन था, ये वाला गैप फिल हो गया, ये वाला गैप फिल हो गया कि स्टॉक ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा अब ये गैप ओपन किया 5 पैसे का, तो ये 5 पैसे नीचे आ सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन अगर इसने इस वाली कैंडल से मंडे को इस वाली कैंडल से अगर नीचे ट्रेड किया जो कि आप यहाँ देख रहे हो, तो अगर इसने इस कैंडल से नीचे ट्रेड किया, इसको और मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसकी जो क्लोजिंग है एटलीस्ट इससे ऊपर पे इसको अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर ये इससे नीचे पे रखता है तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये ख्याल रहे जो भी इसके अंदर पोजीशन लेने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को देखते रहें। दिस इज द क्लोजिंग इज 15.11, सो दैट मीन्स दिस हैज़ टू सस्टेन दिस लेवल। अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर इससे नीचे पे क्लोजिंग आई देन इट विल रिवर्ट टू दिस लेवल 13.43। ओके, सो ये वापस से फिर इस लेवल के ऊपर आने की इसके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। 43 टारगेट पर सेल करेंगे तो लॉस होगा, अगर हेड एंड शोल्डर के किसी वैल्यू पर बाय किया होगा तो प्रॉफिट कैसे? सर दिस इज ये जो प्रॉफिट है ये आपका शॉर्ट का प्रॉफिट है कि आप इसको किस तरह से निकाल सकते, ठीक है। ये जो टारगेट बना है ये मैं बता रहा हूँ आपको दोनों साइड से कि आप इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर TRG शॉर्ट फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल है तो आप इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करके बना सकते हो, और अगर ये फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके जब इसने यहाँ पे क्लोज किया इससे ब्रेकआउट दिया तो आप अपनी पोजीशन को जो लॉन्ग पोजीशन है उसको कम लॉस के अंदर ही बुक करके साइड लाइन हो सकते थे
तो आपको इसने अर्ली साइन दिया कि भाई ये ज्यादा नीचे जा सकता है बेस्ड ऑन दिस टारगेट, तो फिर आप अपनी जो री बाइंग होगी वो इस लेवल पे रखोगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बात है, तो मैं आपको इस तरह से बता दूं कि अगर आपने इसको ऑलरेडी बाय किया हुआ है और इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, तो ये एक अर्ली साइन दे रहा है कि ये फर्दर डिक्लाइन हो सकता है, और जो फर्दर डिक्लाइन होगा तो आपको ज्यादा लॉस होगा। तो यू हैव टू बुक योर लॉस एट दिस लेवल एंड स्टे साइड लाइन, देन यू कैन री बाय एट दिस लेवल बेस्ड ऑन दिस कि इसने अपना जो ये इसका जो पैटर्न का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, तो आप एनी टाइम इट कैन रीबाउंड। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेटेड नंबर्स पे काम करते हो तो आपको रीबाय कब करना है और आपको जो है वो कैलकुलेशन किस तरह से रखनी है या आपको अपनी पोजीशंस कौन सी बनानी है, आपको ये सारी इनसाइट्स जो हैं वो इन पैटर्न से मिलती चली जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ कि मतलब मैं इसको प्रॉफिट में क्यों ले रहा हूँ। अगर आपने इस यहाँ पे लॉस बुक कर लिया तो दैट मीन्स दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी गेन, क्योंकि आप अगर इसको कैरी करते तो ये सारा आपका लॉस होता, जो कि आपने नहीं बनाया, दैट मीन्स दिस इज योर अपॉर्चुनिटी गेन। जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी लॉस होता है हमें, तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी गेन। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो चैट के अंदर प्लीज बताइए मुझे कि आपको अभी तक स्ट्रीम के ऊपर मजा आ रहा है और आपको कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, कुछ नई नई चीजें आपने आज सीखी हैं और उन चीजों को आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप मुझे जरूर बताएंगे चैट के थ्रू स्ट्रीम के ऊपर कि आपने जो हमने यहाँ पे सीखा क्या वो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। सो आई गेस दिस इज गुड। ओके एहसन उस्मान साहब गुड। सो फार वी हैव डिस्कस टू और थ्री पैटर्न्स। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द रेक्टेंगुलर, सेकंड वी हैव डिस्कस द डबल टॉप, एंड थर्ड वी हैव डिस्कस द हेड एंड शोल्डर, और उसको हमने बाकायदा नंबर्स कैलकुलेट करके और सारी चीजें कैलकुलेट करके देखा है कि किस तरह से ये चीजें निकल रही हैं। थैंक यू राजा अली साहब। NML, ओके श्योर वी कैन डिस्कस NML एज वेल। तो आपने जो है ये इन चार्ट्स को बाकायदा ट्रेड नंबर्स को कैलकुलेट करके, जो आप लोग सोचते होगे कभी कि बहुत सारे लोग आपको जो है रेट कोट करते हैं कि ये इसका एक्सपेक्टेड लेवल है, ये एक्सपेक्टेड लेवल है, दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लेवल, कि हम किस तरह से जो ना अपना एक टारगेट लेवल कैलकुलेट करेंगे और उस टारगेट लेवल के ऊपर हमें एक्ट करना है। तो आपने जब एनालाइज कर लिया तो नाउ इट्स योर जॉब टू एक्ट ऑन इट, ताकि आप उसको जो है देख सको। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर गुड। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, कुछ कैंडल्स के बारे में आपको बता दूँ, जो कि कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उन कैंडल्स का जो एक मीनिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके सो आई एम गोना शिफ्ट टू द बुक, स्टे ऑन। हियर वी हैव, सो नाउ वी आर ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स बनती हैं डेली बेसिस पे। उन कैंडल्स के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, आप उन कैंडल्स को सिर्फ देख के भी इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो कि वो कैंडल का मतलब क्या है और उसके ऊपर अप ट्रेडिंग किस तरह की बनती है। ठीक है, सो दिस इज अ बिग ब्लैक कैंडल, दिस इज शोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अनयूजुअली ब्लैक लॉन्ग बॉडी विद द वाइड रेंज बिटवीन हाई एंड लो, प्राइस इज ओपन नियर द हाई एंड क्लोज नियर द लो, इट कंसीडर्ड अ बेयरिश पैटर्न। दैट मीन्स कि अगर आपको इस तरह की कोई कैंडल चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन हुई भी मिलेगी तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है इट्स कंसीडर्ड एज अ बेयरिश पैटर्न। ठीक है, बेयरिश पैटर्न मीन्स के एक लॉन्ग कैंडल है, जो मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही बता चुका हूँ, वाइट कैंडल के ऊपर जो बिग कैंडल्स होती हैं वो अपनी एक अपनी रिकग्निशन रखती हैं और उन कैंडल्स की बेसिस पे आप जो है एक्ट करते हो। तो दिस इज अ लॉन्ग बिग और बिग कैंडल। तो अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक का मतलब है कि स्टॉक डिक्लाइन हुआ है, और अगर ये वाइट है या ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये इंक्लाइंड हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ब्लैक कैंडल। सिमिलरली दिस इज अ वाइट कैंडल, वाइट कैंडल इज शोइंग द बुलिशनेस, और वाइट कैंडल इज शोइंग द इंक्लाइंड और एप्रिसिएशन इन द प्राइसेस। अगेन इट कंसीडर्ड अ बुलिश सिग्नल, कि आपको बुलिश सिग्नल मिलेगा कि अब यहाँ से जो है स्टॉक जो है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है।
इन इन कैंडल्स को हम बिल्कुल जो है वो अभी लाइव चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे कि इसकी बेसिस के ऊपर क्या बुलिश और बेयरिश सिग्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है, बॉडी जो है वो इसको कहते हैं, ये जो आप रेक्टेंगुलर पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड बॉडी, दिस दिस बार इज कॉल्ड अपर विक एंड दिस बार इज कॉल्ड लोअर विक। ओके, सो जिनको नहीं समझ आया दोबारा से सुन लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न, दिस पैटर्न इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस अपसाइड लाइन इज कॉल्ड अपर विक एंड दिस डाउन साइड लाइन इज कॉल्ड लोअर विक। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द ओपनिंग प्राइस इज हायर देन द क्लोजिंग प्राइस एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ बेरिश सिग्नल। अगेन, जितनी भी रेड कैंडल्स होती हैं वो बेरिश सिग्नल को रिप्रेजेंट करती हैं, और जितनी भी ग्रीन कैंडल या वाइट कैंडल होती हैं, क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न यूज करता हूँ, तो जितनी भी वाइट कैंडल्स होंगी वो प्राइस की अप्रिसिएशन को बताती हैं। दिस इज कॉल्ड डॉजी। ठीक है, अगर आप चार्ट पैटर्न के ऊपर इस तरह का कोई कैंडल फॉर्म हुआ हुआ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डॉजी। इसके अंदर यूजली होता है ये कि इन्वेस्टर्स आर अनश्योर अबाउट द मार्केट परफॉर्मेंस एंड द बुल्स एंड बेयर्स आर बोथ आर डोमिनेटिंग ईच अदर, लाइक बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, कि बुल्स गिरने नहीं दे रहे हैं और बेयर्स जो है वो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर वर्चुअली द सेम, द लेंथ ऑफ शेडो कैन वेरी। अब ये लेंथ वेरी कर सकती है कि अपसाइड जो है वो कम है, डाउन साइड ज्यादा है, या डाउन साइड कम है अपसाइड ज्यादा है, इट कैन वेरी। इट इज कंसिडर्ड दैट डॉजी कैंडल्स आर यूजली कंपोनेंट ऑफ द कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये इसका एक कंपोनेंट है और ये जनरली अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के ऊपर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और वहां पे आपको जो है ना सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है या ट्रेंड जो है वो शिफ्ट नहीं होने वाला। तो हम जो है बेसिकली एक एक कैंडल को लेके बात कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी कैंडल जो है किससे क्या मूव बना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, कैंडल्स का नाम आपको क्लियर है और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ चैट के ऊपर लिखते रहें, वरना आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। और 2 बजे का टाइम हो रहा है, 2:04 हो रहे हैं, तो आपको जो है वो नींद आएगी और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अभी वैसे ही 39 लोगों में, तो आप चैट पे मेरे साथ रहेंगे तो आप भी एक्टिव रहेंगे, आप बात कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा जाग रहे होंगे। ठीक है, सो यू कैन सी नाउ आई एम मूविंग टू द चार्ट विच हेल्प्स यू अलॉट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ वी आर ऑन चार्ट, तो यू कैन सी, लेट मी ओपन द KC 100 इंडेक्स। ओके, आई एम रिमूविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आई हैव ड्रॉन। अगर आपको नींद आ रही है तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक लगाता हूँ आपको, आप वो मेरी वॉइस के साथ जो है वो सुनते रहें, दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए, एक यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हैं कि ये एक बिग कैंडल बनी है और उसके बाद हमने एक बुलिश मूव देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल देखी है, बिग ब्लैक कैंडल, तो ये सिमिलर कैंडल है जो हमने अभी अभी हमारी बुक के अंदर देखी है, वो वैसी ही कैंडल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये देखें, तो ये जो कैंडल है इस, ये सिंपली वैसी ही कैंडल है जैसी ही कैंडल जो है वो हमने अभी बुक में देखी है। मैं आपको वापस से उस पर लेके चलता हूँ और आप वहाँ पे देख सकते हैं, वैसी ही कैंडल जो कि यहाँ पे बन रही है, सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल जो है वो हमने अपने चार्ट के ऊपर देखी जो कि बेरिश को इंडिकेट कर रही है। तो अब आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं चीज़ें वो एक्चुअल में जो है वो हो रही हैं। ठीक है, तो ये देखें आप कैंडल, तो आपने ये देखा यही कैंडल जो है वही हमारी चार्ट के ऊपर भी वैसी ही कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है,
सो यू कैन सी कि वो वैसी कैंडल ही यहाँ पे फॉर्म हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बनी है और फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। तो अगेन ये जो कैंडल्स बन रही हैं, आप इन कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है उसको भी वेटेज देना पड़ता है जब आप टेक्निकल के ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन काम कर रही होती हैं, लेकिन जो कैंडल्स की इटसेल्फ फॉर्मेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये किस तरह से बिहेव कर रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर मैं जाऊं और जाके जो मेरी दूसरी कैंडल थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, अगर हम उस कैंडल को वॉच करें तो उसके ऊपर चलते हैं, जो कि ये पिन बार डॉजी थी। ठीक है, इस डॉजी की फॉर्मेशन को देखते हैं। और ये डॉजी की जो वेटेज है वो यूजली हमें देखनी पड़ती है जब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उस टाइम पे, कि ये उस टाइम पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा सिग्नल देता है, जिसकी बेसिस पे हम हमारी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। कि अब हम इस यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या मार्केट जो है, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है या मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए, अब मेरे पास वर्चुअली जो है वो क्लोजेस्ट लेवल आता है। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने बात की थी अकॉर्डिंग टू दैट बुक, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग। तो ये देखिए, जो डाउन साइड आ रहा था इसके अंदर यही कैंडल बनी डाउन साइड के ऊपर, ये देखिए। सो हाउ हाउ इम्पॉर्टेंट दिस कैंडल फॉर्मेशन इज फॉर द मार्केट चेंज द डाउन ट्रेंड और द अप ट्रेंड। सिमिलरली अगर हम इसको दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ भी आप इस चीज़ को कहीं और, अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे बनी है कि नहीं बनी है, तो यू कैन फाइंड आउट दिस कैंडल एट दिस लेवल। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, आपको जो है इस तरह की कैंडल्स फाइंड आउट करनी होंगी और उन कैंडल्स को मार्क करना होगा कि ओके फाइन, ये वो कैंडल थी जिसकी बेसिस पे बना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये वर्चुअली तो इक्वल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट बनी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बन गई ये कैंडल, तो इसके बाद आपको जो है वो चाहिए कि फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए होता है कि अगर ये इस कैंडल से ऊपर ऊपर पे ट्रेड करेगा तो मुझे लगेगा कि ये मेरा जो ट्रेंड है शिफ्ट होने वाला है, वरना नहीं होने वाला। जस्ट लाइक हम इसी कैंडल की एग्जांपल लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो आप यहाँ देखिए कि दिस इज द लो ऑफ दिस कैंडल विच इज 27,046, और जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे का जो लो है 27,156 है। जो नेक्स्ट डे का लो है उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग के मार्केट के अंदर जो है वो शिफ्ट आने वाला। आई होप कि ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो डाउन ट्रेंड का पॉइंट है, अगर ये क्लियर हो गया तो प्लीज चैट पे मुझे बताइए कि आपको ये जो डाउन ट्रेंड वाला अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ये क्लियर है, ताकि फिर हम यहाँ से आगे चल सकें और हम जो है वो दूसरी कैंडल के ऊपर जो है फोकस कर सकें। तो इस तरह से आप डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर जो है डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं, और वो जो डिफरेंट चीज़ों को आप गेज कर रहे हैं, मीन्स के डिफरेंट ट्रेंड्स को आप गेज कर रहे हैं, उन ट्रेंड्स को आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर लाके और एक अच्छी ट्रेड लेकर और सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेके आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप अगर पैसे बनाएंगे तो उससे मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन यस कि ये जो हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है ना वो मुझे बहुत कुछ दे रही है, क्योंकि जब मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो इससे मेरी खुद की भी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, मुझे बताने में बहुत मज़ा आ रहा है और साथ साथ मैं भी चीज़ों को निकाल रहा हूँ। तो इट्स इट्स एक्चुअली बेनिफिट फॉर द बोथ ऑफ अस। सो जो भी मैसेज सुन रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, सुबह तक जाग सकते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए। अरे सर क्या बात है, मैं बिल्कुल जाग सकता हूँ। मैं टीचिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। आई एम ऑल्सो टीचर इन द यूनिवर्सिटी। मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं फाइनेंस का टीचर हूँ, और मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप यू आर अ गुड टीचर, बिकॉज आई हैव दिस स्किल्स टू डिलीवर द नॉलेज। बिकॉज इफ़ यू हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव स्किल्स टू डिलीवर, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड टीचर। सो आई हैव लर्न हाउ टू डिलीवर टू दी स्टूडेंट्स। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरा कि मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर कैंडल साइट, के और कौन सी कैंडल होती हैं जिनकी बेसिस पे हम काम करते हैं। आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन माई बुक। सो उसके बाद देखें, दिस इज द ड्रैगन फ्लाई डॉजी।
ठीक है। अब इसके नाम है, हर डॉजी के, हर कैंडल के अपने अपने नाम है। दिस इज द ड्रैगन फ्लाई डॉजी। इट इज फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइसेस आर द एट द हाईएस्ट ऑफ द डे। इफ इट हैज अ लॉन्गर लोअर शैडो इट सिग्नल्स मोर बुलिश ट्रेंड। व्हेन इट अपीयर्स एट द मार्केट बॉटम इट इज कंसीडर्ड एज अ रिवर्सल साइन। ओके, सो जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मार्केट में रिवर्सल कब आएगा, यू ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट when the reversal can happen in the market and when this downtrend is about to end, theek hai। so this doji, this dragonfly doji will help you a lot to understand that thing ki market ke andar jo ab jo downtrend agar chal raha hai to ye downtrend ke andar jo bullish trend hai wo kab aa sakta hai, at what time you have to make your long positions, at what time you have to exit, theek hai। to aapko kisi bhi pattern, kisi bhi chart ke upar, kisi bhi stock ke is cheez ko jo hai wo focus karna hai कि यहां से किस तरह से चीजें चलेंगी, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट साइड, सो यू कैन सी प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है। ओके, सो लेट्स मी फाइंड आउट। ओके, यहां पे हमें एग्जैक्टली तो चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन ये है कि सॉर्ट ऑफ हमें कैंडल्स हैं वो मिल रही हैं जो कि डाउन साइड मोमेंटम और जो है ना वो बता रही है। तो अगर मैं इस कैंडल को देखूं, इट्स अ काइंड ऑफ कैंडल जो कि मुझे यहाँ पे बता रही है कि लॉन्ग लोअर वो है लेकिन ऑलमोस्ट हाईएस्ट के करीब करीब है। तो उसके बाद एक हमने शॉर्ट जो जर्नी देखी है इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैं और बैक साइड पर जाता हूँ और फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक आध कैंडल तो मिल जाएगी जो कि बता रहा होगा। तो ये वाली कैंडल इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो आप इसके अंदर देख सकते हो। अब अगर मैं इस कैंडल को देखूं, ये वाली कैंडल, तो ये मुझे बता रही है, ये वाली जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर बनी है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी, लेकिन ये मार्केट बॉटम पे नहीं बनी है। तो जब भी मार्केट बॉटम पे बनेगी, बॉटम मींस कि जब डाउन ट्रेंड के ऊपर बनेगी मार्केट के, तो उस टाइम पे हम इसको हाईली बुलिश साइन मानेंगे। अगर ये अप ट्रेंड पे बन रही है तो वो बुलिश साइन नहीं है। ये चीज़ वन थिंग शुड बी क्लियर कि अगर ये मार्केट बॉटम के ऊपर बनेगी ड्रैगन फ्लाई डॉजी, जिसकी शेप जो है वो आप देख सकते हो इस तरह की शेप है, ठीक है, वापस हम आते हैं। अगर जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी है वो इस ये वाली कैंडल जो है अगर मार्केट बॉटम्स पे बनेगी, देन ओनली कंसीडर कि ये जो कैंडल, ये जो कैंडल है ये आपको बुलिश सिग्नल क्रिएट करके देगी, अदरवाइज ये बुलिश सिग्नल क्रिएट करके आपको नहीं देगी, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना है। तो मूव बैक टू द चार्ट। तो यहाँ पे बना था लेकिन ये अप साइड है, ये बॉटम नहीं है, तो इसने इसको सस्टेन नहीं किया। लेकिन अगर हमारी वो प्रीवियस डॉजी की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ डॉजी, और उसके बाद देखें ये टॉप पे बनी है डॉजी, तो इसके बाद यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स बन रही है, मींस कि अब यहाँ पे बायर सेलर एग्जॉस्ट हो गए। किसी ने मुझसे पूछा था सप्लाई जोन और जो बाइंग एंड सप्लाई का जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई का बता दें, तो डिमांड एंड सप्लाई के लिए सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है वो प्ले करता है कि सपोर्ट इज द डिमांड जोन और रेजिस्टेंस इज द सप्लाई जोन। उसके बाद ये जो कैंडल्स होती हैं ये आपको बिहेव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे अप मूव आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये अप मूव के बाद जो कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, ये कैंडल्स का जो साइज है काफी छोटा हो गया। दिस इज रिफ्लेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ इन्वेस्टर के इन्वेस्टर अब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस लेवल पे आके कि स्टॉक इस लेवल से ऊपर जा नहीं रहा, ठीक है। बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस लेवल के ऊपर। जब बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे देखना है कि सारी कैंडल्स के अंदर अपसाइड प्राइस रिजेक्शन है। अपसाइड प्राइस रिजेक्शन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं मैं कि अपसाइड प्राइस रिजेक्शन मींस कि स्टॉक हाई जाता है लेकिन वहाँ से सस्टेन नहीं करता, उस लेवल को वापस से नीचे आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अपर विक्स हर कैंडल के ऊपर बढ़ ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर विक्स। दैट दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे जो है अपसाइड प्राइस रिजेक्शन हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है मार्केट के लिए, या आप कह सकते हो किसी भी स्टॉक के लिए कि सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टर्न हो सकते हैं हमारे। ये चीज़ आप केसी 100 इंडेक्स की जब ये 43 के लेवल पे गया था वापस, उस टाइम पे देख सकते हो। ये आपके पास वो लेवल है कि दिस इज द लेवल एट विच द केसी 100 इंडेक्स इज मेकिंग अ स्मॉल कैंडल,
जो बिग बिग कैंडल्स थी उसने वो ख़त्म कर दिया था, और इस एरिया के अंदर वो स्मॉल कैंडल्स बना रहा था। ये जो दो टॉप कैंडल्स बनी है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल का साइज कितना छोटा हो गया था, जिसकी वजह से दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर द बायर्स नॉट देयर, ठीक है। सेलर्स जो हैं वो भी वेट कर रहे थे कि हम सेल करें, और बायर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एंट्री नहीं ले रहे थे, जिस वजह से यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस मार्केट के अंदर जो है वो दोबारा से वो मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाया जो कि इनिशियल लेवल पे बिल्ड हुआ था। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि जो कैंडल का साइज़ है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर ये क्लियर है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और TPLK का सीन है, किसी कंपनी के चार्ट पे फाइंड कर सकते हैं ये कैंडल? सर आज़म साहब बिल्कुल हम कर सकते हैं, आप कंपनी का नाम लीजिए। चलिए हम देखते हैं, ईफर्ट पे देख लेते हैं। ईफर्ट का चार्ट देखें, बड़ा ही थोड़ा भयानक सा लग रहा है। तो इस चार्ट को अब अगर टेक्निकल के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास सही डाटा नहीं है ना, तो आप फिर टेक्निकल को ईजिली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ है कि आपको जो ना डाटा आपके पास अच्छा होना चाहिए, या आपका जो चार्ट है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होना चाहिए। अगर किसी कोई इनलिक्विड स्टॉक से जो कि डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं होता, तो उसमें टेक्निकल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आप टेक्निकली चेक नहीं कर सकते हो। तो लेट मी फाइंड आउट ऑन स्क्रिप्ट, जो कि लेट से UBL बैंक के ऊपर देख लेते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट, ओके यहाँ देखिए कि इसने टॉप बनाया तो, और यहाँ पे जो एरिया था ये वाला जो एरिया, लेट मी ड्रॉ द चैनल, पैरेलल चैनल, दिस वाज द एरिया। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कैंडल्स स्मॉल हो गई, और अपसाइड जो है ना वो नहीं बन पा रही थी। जब अपसाइड नहीं बन पा रही है और रेगुलर बेसिस पे इसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और ऑलरेडी अपनी एक रैली जो है ये बिल्ड कर चुका है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और वो जर्नी जो है इसने यहाँ पे कंप्लीट की है, और उसके बाद ये अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। दैट मींस के दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ क्लोज योर लॉन्ग पोजीशन, और इधर यू गो टू शॉर्ट पोजीशन, या फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि अगर ये अपना ट्रेंड शिफ्ट करेगा और फिर मैं इसमें एंट्री लूँगा, अदरवाइज मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़, अब ये जो स्विंग ट्रेड्स होती है ना, ये लिक्विडिटी जिसके पास है उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके उसको लॉस करना ज़्यादा डर नहीं होता, उसको पता है मैं सस्टेन कर जाऊँगा। लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है। अगर उसको 2 रुपये का भी लॉस होगा ना, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हमेशा पैनिक के अंदर बाइंग करता है, और पैनिक में ही उसको सेलिंग करता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग साइन होता है। आई होप कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और इफ़ देर इज़ अ गैप आफ्टर गेटिंग एक्स देन गैप वुड बी फिल्ड, प्लीज़ आंसर दिस। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि अगर गैप ओपन हो गया है और एक्स हुआ है, तो वो गैप भी फिल होता है, क्योंकि वो भी एक टेक्निकल गैप है, अनलेस कि आपका चार्ट जो है वो इस तरह से एडजस्ट ना हुआ। क्योंकि अगर आप यूनिटी फूड का चार्ट देखेंगे, तो यूनिटी फूड के चार्ट के अंदर जो है तकरीबन आप समझे कि 400% का राइट दिया था, जिसकी वजह से उसकी तमाम प्राइसेस जो हैं उसको एडजस्ट करके चार्ट के अंदर डाला गया, ताकि आप उसका लोअर साइड जो है वो इजीली गेज कर सको, ठीक है। तो वो चार्ट अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो वहां पे गैप होगा, और उस गैप को वो फिल करेगा। हैमर क्या बता रहा है? हैमर जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सर। हैमर की कैंडल अब जरा निकाल लेते हैं। ग्रेवस्टोन, हम इन कैंडल्स को भी डिस्कस करेंगे। दिस इज हैंगिंग मैन, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन देख लें, फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से। दिस इज़ अ ब्लैक और वाइट कैंडलस्टिक दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉडी। स्मॉल बॉडी मींस दिस रेक्टेंगुलर एरिया एंड नियर हाई एंड लो, लिटिल और नो अपर शेडो। तो अपर शेडो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, विद लोअर लॉन्ग वेक, ठीक है। टेल जो है वो ज़्यादा है। दिस लोअर टेल शुड बी 2 or 3 times द हाइट ऑफ द बॉडी। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कैंडल फॉर्मेशन के इसकी जो लोअर टेल है, जो लोअर वेक है, that at least 2 or 3 times of the body, जो कि तो so it's considered as a bearish pattern during the uptrend। अगर ये uptrend पे बनता है तो it is considered as the bearish pattern, क्योंकि upside तो कुछ है नहीं, बल्कि downside के अंदर bulls ने जो है वो जो है उसको drag किया है upside पे, लेकिन
अपसाइड जो एक्चुअल अपसाइड है वहां पे कोई ज्यादा बायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट पे सेलिंग ज्यादा आ रही है। तो अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे सेलिंग जो है वो ज्यादा आ रही है कंपेयर टू ये वाली चीज, ठीक है। तो और दूसरी चीज है हमारे पास हैमर, हैमर भी सिमिलर काइंड होता है, ब्लैक और व्हाइट कैंडल दैट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी नियर अ हाई विद अ लिटिल नो अपर शेडो एंड अ लॉन्ग लोअर टेल कंसीडर्ड एज अ बुलिश पैटर्न ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड। हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के ऊपर बनता है, और ये जो बता रहे हैं आपको हैंगिंग मैन तो ये अप ट्रेंड के ऊपर होगा। दैट मीन्स के दोनों कैंडल की जो फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डाउन ट्रेंड पे अगर ये वाली कैंडल बनेगी और साइज उसके ऑलमोस्ट डबल होगा जो लोअर विक का साइज है उसकी बॉडी के, तो उसको आप हैमर कह दोगे। और अगर डाउन ट्रेंड पे तो इट्स अ बुलिश साइन, और अगर यही चीज जो है वो हायर लेवल पे बनेगी मींस के मार्केट के टॉप पे बनेगी या चार्ट के स्टॉक के प्राइस के टॉप पे बनेगी, तो उसको हम हैंगिंग मैन के नाम से जानते हैं। सिर्फ नाम डिफरेंस कर दिया, बाकी काम जो है वो वैसे ही है, और वहाँ पे वो बेयरिश सिग्नल को करेगा। सो ये आप लोगों का जो है बिल्कुल टास्क हो सकता है कि आप जो है किसी भी कंपनी का चार्ट उठाएंगे और उस कंपनी के चार्ट को उठा के उस कंपनी की जो कैंडल्स हैं उन्हें देखेंगे, और उनको देखने के बाद आप जो है हमें उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करके मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है आप बता सकते हैं कि आपने ये चार्ट जो है बनाया है। तो वो बनाने के बाद आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं मुझे टैग करके ट्विटर अकाउंट पे स्टॉकिस 91 के, ताकि ये ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो हैशटैग हैंडल है हमारा वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है स्टॉकिस 91, तो आप उसको टैग कर सकते हो, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हो और जो हम इतनी ज़्यादा लर्निंग कर रहे हैं उस लर्निंग का फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब आज आपने मेरी बातें सुन ली, आप इतना लेट नाइट बैठे हो मेरे साथ, आपने बातें सुन ली और आपने फिर छोड़ दिया कि ठीक है यार कर लेंगे बता देंगे हमें, तो आपको खुद को भी इस चीज़ को फॉलो करना है और आपको काम करना है। तो पॉइंट इज कि आपको जो है खुद से काम करना है, अगर आप इस पर काम करते हो तो बिल्कुल। शान बाबा साहब कहते हैं नेट सोल, तो चलिए नेट सोल को देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि फिर मैं स्ट्रीम को बंद करूंगा। नेट सोल सर आपका आपके नाम, तो नेट सोल के नेट सोल इज गुड, ओके। सो अब आप ये देख सकते हो कि नेट सोल के अंदर वो वाली कैंडल बनी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ड्रैगन फ्लाई लॉजिक। सो हियर यू कैन सी द एग्जैक्ट कैंडल, सो exact candle, exact T, the dragonfly doji. Okay, so now this is actually a sign जो कि शायद यहाँ से decline कर सकता है, लेकिन still अगर ये Monday को, अब आपको confirmation चाहिए इस candle की formation के बाद कि अगर ये Monday को इसके high level से जो कि इसके closing point है उसको हम देख लेते हैं which is 36.18, अगर उससे ऊपर पे trade होता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये अपसाइड जाने के चांसेस हैं, और ये इस गैप को फिल करेगा विच इज़ अराउंड 40, और अगर ये इससे ब्लो पर ट्रेड करता है दैट मीन कि डाउनवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और इसने जो गैप क्रिएट किया है यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये जो ये वाला गैप क्रिएट किया हुआ है इसने, इस गैप को ये फिल करने के लिए जो है वो ज़रूर नीचे आएगा, तो आप इस गैप को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो गैप है ये फिल हो सकता है अगर ये 36.18 से बिलो पर ट्रेड करेगा, अगर ये इससे अपसाइड पर ट्रेड करता है तो फिर ये 40 और 40 पॉइंट और 41 के लेवल को मोस्ट लाइकली चांसेस है कि इसको अचीव कर लेगा। तो आपका पहल डन हो गया है सर, और सर बिल्कुल साफ बहुत ज़्यादा बोलिश है, मैं नाम नहीं लूँगा, इट्स अ ऑनलाइन, डोंट फॉरगेट टू टेल KC 100 इंडेक्स टेक्निकल। जैन साहब मैं टेक्निकल के ऊपर ये KC 100 इंडेक्स के ऊपर जो ना एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना के शेयर करूंगा, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, वो पूरी की पूरी बेस्ड करेगी और मैं उसके अंदर कोशिश करूंगा वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जिसके अंदर डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस दोनों को डिस्कस किया हो, ताकि आपको डेली और वीकली दोनों का स्टांस पता चल जाए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट, और आज की स्ट्रीमिंग के अंदर आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी, जो जिन्होंने जो भी सीखा है तो प्लीज़ चैट के अंदर मुझे जल्दी से बताएं बिफोर गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम, तो चैट के अंदर मुझे ज़रूर आप लिख।
आई एम वेटिंग फॉर योर चैट ऑल 30 31. Hello guys, I'm waiting for your chat. बहुत कुछ सीखा है आज watch systems with you till end candlesticks good learning book name sir मैं book आपके साथ link share करने वाला हूँ. मैं इस link को आप मुझे मेरे Twitter account पे या WhatsApp Facebook के ऊपर जो है वो मुझे मैसेज करें, मैं आपको link जो है वो share करता हूँ और आप उस link के through जो है इस book को access कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप हमारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ऊपर ही बात कर सकते हैं हमारे साथ, विच इज मैं काफ़ी टाइम से जो है वो देख रहा था लेकिन कोई भी जो पाकिस्तानी है वो इस तरह से लाइव आके चीज़ों को नहीं बता रहा था, तो दिस इज़ इनिशिएटिव बाय मी और मे बी के कुछ लोग होंगे जो कि लाइव भी बताते होंगे, तो लेकिन मेरी नज़र में कोई नहीं आया था. तो काफ़ी टाइम से आई वॉज़ प्लानिंग कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो कि सबके लिए एक बेनिफिशियल हो फॉर द सोशल कॉज, तो उसके लिए जो है मैं अपने आप को लेकर आया और ताकि जो मैं बता सकूँ आप लोग को कुछ सिखा सकूँ. आई होप कि यू गाइज लाइक दिस चैट. तो बिफोर जाने से पहले सबके सब जो हैं वो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं जिन्होंने कमेंट नहीं किया. थैंक यू सो मच.
अभी जो है वो एक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि जो आप कैंडल्स यूज़ करते हैं वो कैंडल्स जो टाइम फ्रेम आप रखते हैं वो टाइम फ्रेम एक्चुअली जो है ना रिफ्लेक्ट करता है आपके टारगेट्स को। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस चीज़ को मैं इन्फॉर्म कर दूँ जस्ट कि अगर आप डेली बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं तो सबसे जो प्रायोरिटी जाती है वो जाती है आपकी आर्ली बेस चार्ट के ऊपर। तो जब आप आर्ली बेस चार्ट के ऊपर जो है कोई भी अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है एक दिन से दो दिन के लिए आर्ली चार्ट की, कि आपका जो कैलकुलेटेड टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। जब आप डेली बेसिस चार्ट के ऊपर जाते हो और उसके ऊपर कोई लेवल प्रिडिक्ट करते हो और कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम पे जो वैलिडिटी होती है वो एक दिन से लेके और नेक्स्ट पूरे वीक की समझें या तीन से चार, तकरीबन चार दिन की वैलिडिटी होती है। तो वो टारगेट आपका उस टाइम फ्रेम के अंदर अचीव होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली जब आप जो है वो वीकली बेसिस पे जाते हैं तो वीकली बेसिस पे आप समझे कि जो आपने लेवल फाइंड आउट किया वो लेवल के आने के चांसेस 3 to 4 weeks के अंदर होते हैं, मींस के 1 month का पीरियड होता है। और अगर आप जब वीकली मंथली बेस पे जाते हैं तो मंथली जो आप कैंडल को इवेल्युएट करते हैं वो मंथली कैंडल आपकी तकरीबन आप समझें तो 3 months और 4 months के पीरियड का टारगेट जो है वो अचीव करके देती है। तो जो भी आप काम कर रहे हो जिस तरह से भी तो उसका इस तरह का लेवल बनता है कि आप जो कैंडल को जिस टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो वो टाइम फ्रेम जो है ना ऐसा नहीं है कि अगर मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ तो मुझे कल ही उसका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, उसका नेक्स्ट 1 to 2 days और 3 days मैक्स 4 days के अंदर जो है उसका एक्चुअल आउटकम आएगा अगर आपका जो डिसीजन है या आपकी एनालिसिस जो है वो अगर एक्यूरेटली है तो। जी अशर साहब बिल्कुल आप मेरे साथ जो है वो रह सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप हैं मेरे तो, और उसके साथ ट्विटर अकाउंट के ऊपर मैं बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता हूँ और इवन फेसबुक के ऊपर भी मैं एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता हूँ फिर मैसेजेस के ऊपर। इट हैज़ टू फिल गैप एज वेल। बिल्कुल सर बिल्कुल गैप भी फिल करना है और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक्चुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ, ऑल दो के मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है बट उसके अंदर सिर्फ न्यूज़ शेयरिंग होती है और कुछ नहीं होता। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और क्योंकि काम वगैरह की वजह से ज़्यादा एक्टिवली व्हाट्सएप के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए व्हाट्सएप को जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन बेस रखा है और उसके अंदर कोई ज़्यादा कॉल्स वगैरह नहीं देता हूँ। सर माय एज इज, वैसे मैं बता सकता हूँ एज ऐसा कोई है नहीं, आई एम 29 years old, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ बट यस कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और माशाल्लाह से CFA Level 3 का कैंडिडेट हूँ। मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा Level 3 निकल जाए और आपको जो बंदा पढ़ा रहा है वो चार्टर्ड बन जाए। तो सब के सब जो है बस वो दुआओं में याद रखें और मेरे लिए बस दुआ करते रहिए कि जो है ना मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम है वो भी फुलफ़िल हो जाए और मैं आपके लिए ऐसी और ज़्यादा चीज़ें ला सकूं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिले। टेक्निकल एनालिसिस का जो सोचा था वो इसलिए सोचा था कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत इजी है और आप मैं और हम सब जो है ना बहुत आराम से कर सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है। आपके सामने अभी मैं लाइव चार्ट ओपन करता हूँ और लाइव चार्ट ओपन करके सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके मैं एक डिसीजन फॉर्म करता हूँ, एक व्यू फॉर्म कर लेता हूँ। ये सब काम आप भी कर सकते हो, ये सारे के सारे काम आप घर पर बैठे हुए हार्डली 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर आप ये सारी चीज़ों को कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम पहले जो है वो डालना पड़ेगा जो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा लर्निंग के लिए। तो जब आप लर्निंग कर लोगे एक दफ़ा तो बस काम बन गया सर, आप फिर बना रहे पैसे और फिर आप बस लगे हुए मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर आप फिर ये नहीं बोलेंगे कि ये बेटी का घर है, आप बोलेंगे कि भाई मैं दबा दूँ मार्केट का, मैं लेके ही जाऊँगा, मैं यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊँगा पैसे। इंशाल्लाह आप सब जो है वो कमाएं बिल्कुल और ज़्यादा कमाएं अच्छे से और सही डिसीजन लेना और अपने डिसीजन के ऊपर इंटैक्ट रहना ये आपको सीखना पड़ेगा। हमारी जो कॉम है ना, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है और जितनों से मुझे पता चला है उनका कहना यही है कि वो हमेशा ना इमोशंस के अंदर इधर उधर निकल जाते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है बस। थैंक यू सो मच राहिल मुराद साहब दुआ के लिए। और सर बिल्कुल मैं एक एक चीज़ करके सब चीज़ों को लेकर आऊँगा, मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी बात करेंगे, कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस होती हैं जिसको हम,
ऑब्वियसली सब चीजों को आप ओवर द नाइट नहीं सीख सकते हो, तो मैंने इस तरह से प्लान किया है कि जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको देख के आप अपना एक इनिशियल ट्रेड लेवल सेट कर सकते हो, तो उसको ज्यादा फोकस किया है। और फिर एडवांस लेवल को ना आप उसको हम बाद में लेकर आएंगे। उसमें होता ये कि अगर मैं एडवांस अभी बता दूंगा और बेसिक क्लियर नहीं होंगी तो आपको एडवांस समझ में नहीं आएगा। तो अगर बेसिक्स एक दफा क्लियर हो गई तो फिर एडवांस लेवल जितना भी हो वो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। तो क्योंकि मैं टीचर हूँ मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हेल्प आउट करती है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस लेवल पे जाके किन को किस तरह से बताना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए ईजी है कम्युनिकेट करना, तो इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा सा अपने पास रोक के रखा है कि मैं जब टाइम आएगा और लगेगा कि अब हमें इस लेवल पे शिफ्ट होना चाहिए तो फिर हम उस लेवल पे शिफ्ट होंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम चीज़ें सीखते चले जाएंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये कि मैंने जिस तरह से फेसबुक और ट्विटर के ऊपर ऑलमोस्ट लगा दिया था कि इस टाइम पे करने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल वो चीज़ें बता दूंगा आपको, तो आपको आपके पास आपको पता होंगी कि कब मैं लाइव आ रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो पहले मिल जाएगी, तो आप इजीली देख सकते हो कि मैंने कब वीडियो अपलोड की है। और जो KC100 इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बना के कल तक अपलोड कर दूंगा मार्केट से पहले पहले, मतलब कल के दिन में ही, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट के अंदर क्या स्टांस बन रहा है। ओके, कैन यू टेल लर्निंग स्टेप्स? अशर सलीम साहब, लर्निंग स्टेप्स के अंदर ये है कि ये बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पास पूरी बुक होगी, आप बिल्कुल पूरा का पूरा मटेरियल रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आज हमने बात की कुछ तीन जो है पैटर्न्स की, चार्ट पैटर्न्स की, और कुछ कैंडल्स की बात की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो रिमेनिंग चार्ट पैटर्न है हम उनको उन पर बात करेंगे और उनको प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे। फिर साथ साथ जो है हम जो रिमेनिंग कैंडल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और फिर उनको भी टेस्ट करके देखेंगे कि वो किस तरह से चल रही हैं। तो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जितना भी बेसिक है, देखें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी भी जो है ना वो यूज़फुल नहीं होती है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जितना हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, सिंपल एंड ईजी। और जो है ना आप पैसे बना सकते हैं, जब सिंपल में ही आप पैसे बना सकते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत क्या है। कल भी मैंने अपनी स्ट्रीमिंग के अंदर ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि आप जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, तो जितना कम ऑप्शंस रखोगे उतना बेटर होगा आपके लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करना, सारी चीज़ें करना। सो आई होप यू लाइक दिस इंटायर सेशन, जो हमारा 2 घंटे 10 मिनट का सेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं, दिस इज़ वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी and show your support and your love. Thank you so much. I hope all of you stay at home and stay safe. और पाकिस्तान में हमें ये कोरोना वायरस को मिलके जो है वो हटाना है, भगाना है और इसके अगेंस्ट में फाइट करनी है। तो आप सबको उसके अंदर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालना है कि आप सब घर पर रहें और ज़्यादा बाहर न घूमें अननेसेसरी, जिसकी वजह से ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो ये सब हमारी भलाई के लिए है जो भी गवर्नमेंट ने स्टांस लिए हैं और जो हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इट्स ऑल फॉर अस, बिकॉज हम अगर बाहर निकलेंगे तो फिर इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते और ये अल्टीमेटली हमें ही इफेक्ट करेगा। तो इट्स बेटर टू स्टे एट होम टू डू सम कंस्ट्रक्ट